नमस्कार एन के वागदा चैनल पर आप सभी का स्वागत है शिक्षार्थियों आज हम फिर एक नए चैनल एक नए कार्यक्रम के साथ एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं कि एन का यह वागदा चैनल डी के शिक्षार्थियों के लिए है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य डी के विषयों को आपके समक्ष रखना है इस कार्यक्रम में आप भी शरीक हो सकते हैं उसके लिए टोल फ्री नंबर है वन एट डबल ज़ीरो 1802543 ईमेल है वागदा ऐट एन आई ओ एस डॉट ए सी डॉट इन शिक्षार्थियों हम प्रतिदिन नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहे हैं कल हमने बालिकाओं के सशक्तिकरण के बारे में चर्चा शुरू की थी उसी विषय पर आज भी हम और विस्तार से बातचीत करेंगे क्योंकि बालिकाओं के सशक्तिकरण का जो सवाल है उसके विभिन्न पक्ष हैं और विभिन्न पक्षों को उजागर करने के लिए यह ज़रूरी है कि अलग अलग उदाहरणों से समझा जाए उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाए आज दो मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है हमारे साथ डॉक्टर निधि गोयल हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर अदिति महाविद्यालय से और हमारे साथ विनीता धवन हैं असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप दोनों का स्वागत है नमस्कार सर आज ये दोनों विशेषज्ञ आपको बालिकाओं के सशक्तिकरण के बारे में अर्थात एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड के बारे में विस्तार से बताएंगी और हम कोशिश ये करेंगे कि इसके जो भी डायमेंशंस हैं इसके आयाम हैं उनको यहाँ उद्घाटित किया जाए और आप इस चर्चा में हिस्सा लें ताकि इस परिचर्चा को रोचक बनाया जा सके उपयोगी बनाया जा सके तो निधि मैम मैं अब चाहूँगा कि चर्चा को शुरू करें हेलो लिस्नर्स हम सब देखते आए हैं कि हमारे अपने वैदिक समाज में कहा गया है कि यत्र नारे पूजते तत्र देवता रामनते लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में जो स्त्रियों की दशा है उसका क्या कारण है जब हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि जो समाज में स्त्रियों की दुर्दशा हो रही है या जो उनको एक अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा पूरा ये प्रोग्राम है और हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जब हम एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो पावर कहाँ से आती है और किन किन माध्यमों से एक मतलब स्त्री को हम वो पावर देकर उसको सबल बना सकते हैं एम्पावरमेंट को अगर मैं देखूँ तो एम का मतलब यहाँ पे होता है टू मेक यानी कि उसको पावरफुल बनाना लेकिन जब हम पावरफुल बनाने की बात करते हैं तो हमें उसको अधिकार देने हैं हमें उसको खाली काम करने की या ये कहने की कि वो ये कर सकते हैं उसके साथ साथ उसके ड्यूटीज़ के साथ साथ एक राइट्स का भी उसके पास पूरा एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वो इस तरह से कि वो उसको समाज में भी दे सके इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने वुमेंस एम्पावर के पांच मेन कंपोनेंट्स बताए हैं और उसमें कहा है कि वुमेन में सबसे पहले स्त्रियों में सबसे पहले सेल्फ वर्थ होना चाहिए कि उसको अपनी क्षमता का एहसास होना चाहिए मैं क्या हूँ वो किसी दूसरे या सामने वाले से या पुरुष जाति से कहने की कि तुम सबल नहीं हो तुम दुर्बल हो तुम कमज़ोर हो तो इन सब चीज़ों से उसको अपनी स्थिति से डगमगाना नहीं है सबसे पहले उसमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं एक सबल नारी हूँ दूसरा उसके पास अपनी इच्छा का होना और उसी के हिसाब से चुनाव करना यहाँ जब मैं कहती हूँ अपनी इच्छा का होना हमने देखा है बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि लड़कियों के लिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन में ही देखें तो कहेंगे उसको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए या नर्सिंग लाइन में जाना चाहिए तो उसकी अपनी इच्छा की कोई प्रेफरेंस नहीं है ये समाज ने या उसके परिवार ने उसको उसके ऊपर थोप दी है सजेशन देना या राय देना अलग बात है लेकिन समाज में जब इस तरह की चीज़ों को थोप दिया जाता है तो उसके पास कोई राइट right नहीं रह जाता कि वो अपने हिसाब से अपने लिए डिसीज़न ले सके लेकिन यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि स्त्रियों के पास अपनी इच्छा का होना ज़रूरी है और वो उस हिसाब से अपना चुनाव कर सकती है यहाँ पे शिक्षा हो रोज़गार हो शादी हो किसी भी तरह का व्यवसाय हो तो ये नहीं हो सकता कि हाँ ये काम लड़का कर सकता है या ये काम लड़की कर सकती है तो इस तरह का जो हमारे देश में हमारे समाज में जो डिस्क्रमिनेशन है उस सबको खत्म कर दिया जाना चाहिए मतलब ख़त्म सरकार ने तो अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है लेकिन समाज में भी ये जागृति होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती हो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इसको बहुत स्ट्रांगली कहा था स्त्रियों के पास अपनी इच्छा का होना और उसके हिसाब से चुनाव करना साथ ही स्त्रियों के पास अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है हम ये देखते हैं कि कर, आज भी हमारे समाज में कई गाँवों में या कई प्रांतों में लड़की के होते ही उस एक बहुत ही बुरा शगुन माना जाता है या हम कई जगह कहते हैं कि नहीं लड़की नहीं होनी चाहिए और गर्भ में ही अगर पता चल जाए तो उसको वहाँ पे भी मतलब खत्म करने की कोशिश की जाती है तो इस तरह से जो जिंदगी जीने का अधिकार है कोई भी समाज कोई भी जाति कोई भी धर्म इस तरह के अधिकार को छीन नहीं सकता उसके पास अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है और उसके पास अपनी क्षमता के अनुसार समाज को समाज को देने के लिए बहुत कुछ है और जब मैं क्षमता के अनुसार बात करती हूँ तो वो उसकी क्षमता जो है कार्य के साथ साथ पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशल कल्चरली सब तरह से वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है उसको हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन वो तभी दे पाएगी जब <coughs> जब उसको ये पता है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है और मैं यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करके अपने हिसाब से उस कार्य को पूर्ण कर सकती हूँ ऐसा नहीं है कि वो केवल आपने कह दिया कि नहीं आज उसको खदान में काम करना है तो वो खादान में काम करिए तो हमने उसको इकोनॉमिकली स्ट्रोंग कर दिया वहां पे हमने उसको स्ट्रांग नहीं किया है वहाँ पे हमने एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया है स्ट्रोंग तब होता है कि जब वो अपनी पहले शिक्षा की पूर्ति करें शिक्षा की पूर्ति के साथ साथ उसके अनुसार वो अपने व्यवसाय को चूज करें और उस व्यवसाय में जाने के बाद जो उस व्यवसाय से संबंधित शर्तें हैं उसमें पुरुष स्त्री का कोई भेदभाव ना हो उसके अनुसार उसको काम मिले और जो एक काम करने की परिस्थितियाँ हो वो उसके अनुकूल हो ये नहीं है कि हम उसको कह रहे कि नहीं अब आप पुरुष के बराबर हैं तो अब आप रात में भी काम करेंगे अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी काम करेंगे तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो उसके काम करने के अनुकूल ना हो तो उन सबको ध्यान में रखकर ही हमें उसको काम करने के लिए भी प्रेरित करना है और विनीता जी आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे नमस्कार डॉक्टर निधि आपने जो भी कहा बहुत बढ़िया कहा आज का जो हमारा विषय है वो है महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल सही बात है जैसा कि मैडम ने ये बताया कि महिला को सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है महिला को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में अगर हम देखें तो महिला पिछड़ी हुई है उसी को सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो सशक्त होकर समाज में अपने पैरों पर खड़ी हो सके इसी में बस थोड़ा सा अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो इसी कंसेप्ट में यही कह सकती हूँ जैसे मैडम ने बताया कि एम एम्पारमेंट वुमेन एम्पामेंट में एम एम का जो मीनिंग होता है वो उसका उसका मतलब होता है टू मेक टू मेक मतलब और इसको अगर हम पूरा डिफाइन करें तो एम्पावर एम्पावरमेंट मीन्स टू मेक पावरफुल कि महिला को पावरफुल बनाना सशक्त बनाना और ये जो पावर है वो चार तरीके से ऑपरेट कर सकती है जैसा कि फर्स्ट फर्स्ट है जैसा कि पावर ओवर दूसरा है पावर टू तीसरा पावर विद इन और चौथा पावर विद अब एक एक करके मैं आपको ये बताऊंगी कि पावर ये चारों किस तरीके से काम करती हैं जैसे हम पहले की बात करें पावर ओवर पावर ओवर में हम ये कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व द रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन और सबॉर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल ये कुछ डोमिनेशन या सबॉर्डिनेशन इंक्लूड करता है इंडिविजुअल्स के बीच में अगर हम पावर टू की बात करें तो पावर टू में जो हम रिलेट करते हैं वो कहते वो रिलेट करते हैं हम अथॉरिटी से पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम कि उसको अथॉरिटी दो महिला को अथॉरिटी दो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा नहीं महिला ने अगर सॉल्व किए तो वो ठीक नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो पावर टू में हम उसकी अथॉरिटी और चीज़ों को सॉल्व करने की दिक्कतों को सॉल्व करने की क्षमता को इंक्लूड करते हैं जब हम बात करते हैं पावर विद इन की पावर विद इन का मतलब है अंदर से हमारा जो पावर है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस एक महिला के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को अपने आप समझ सके और समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। जब हम बात करते हैं पावर विद की जो कि चौथा है इसके अंदर पावर विद में हम ये कह सकते हैं कि पीपल ऑर्गेनाइजिंग विद कॉमन पावर टू अचीव कलेक्टिव गोल्स कई बार हम ऐसे काम भी करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी एक कॉमन गोल के लिए तो वहाँ वो पावर विद बन जाता है तो इस तरीके से जो पावर है महिला की जो पावर है वो चार तरीके से ऑपरेट करती है पावर ओवर पावर टू पावर विद इन और पावर विद तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी अभी फिलहाल हाँ इसी में मैं ये आगे जोड़ना चाहूँगी कि जब मैं पावर ओवर की बात करती हूँ तो पावर ओवर में यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक समाज में अगर हमारे पास पुरुष और स्त्री है तो वहाँ पे वो एक कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि पुरुष ही उच्च है या किसी भी तरह से हम स्त्री को अगर हम निम्न में समझ रहे थे तो वो सबसे बड़ी समस्या ही वो थी तो पावर ओवर में जो रिलेशनशिप है वो दोनों की बराबर है जिसे हम कहते हैं ना बराबर हिस्सेदारी के साथ हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे और जब हम बराबर की हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो जो अथॉरिटी है यानी कि एक अथॉरिटी में मतलब खाली एक पावर का होना नहीं अथॉरिटी का मतलब है कि आप जब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सहयोग है वो उस तरह का सहयोग है कि जिसमें वो काम बैलेंस के साथ आगे चल रहा है ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी में दब कर उस काम को कर रहे हैं अगर परिवार में कोई समस्या आती है तो ऐसा नहीं हो कि केवल उस परिवार के पुरुष वर्ग ही उस पर डिसीजन ले रहे हैं उस परिवार की स्त्रियों के पास भी ये राइट है कि वो अपनी राय जाहिर कर सके अपने सुझाव दे सके और हो सकता है कभी उनका दिया हुआ सुझाव जो है वो ज़्यादा काबिल तारीफ हो और ज़्यादा कारगार हो हमने अब देखा है हमारे हिंदी सिनेमा में भी ये दिखाया गया है कि जो कार्य क्षेत्र हो या खेल क्षेत्र हो सब में स्त्रियों की जो भूमिका है वो तभी आगे बढ़ पाई है जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती है तो यहाँ पे जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर ओवर और पावर टू के साथ साथ ये भी प्रूव हो जाता है पावर विद इन कि उसमें ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमने देखा है कि जितने भी हमारी महिलाएं हैं उन्होंने हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो किसी भी तरह का कंपटीशन हो वो हर जगह गई हैं और हर जगह उन्होंने उच्च मकाम को हासिल किया है और यहाँ पे एक चीज बहुत ज़रूरी है हमारी समझने की ये सब तभी संभव हो पाया है हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी रिसोर्सेज में उनकी जो भागीदारीता है उसको समझा गया अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज किस किस तरह के हो सकते हैं रिसोर्सेज होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स इंटेलेक्चुअल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स में हमें मालूम है लैंड है वाटर है फॉरेस्ट है ये जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं हमने देखा है कि स्त्रियों का ऐसा नहीं हो सकता कि पानी पे अधिकार केवल वर एक वर्ग का हो दूसरे वर्ग का ना हो इसी तरह जो धरती पर अधिकार है या जंगल है किसी भी तरह के हवा है इन सब पे जो भगवान ने अगर इन सबको समान बनाया है तो इन पे अधिकार भी समान है हालांकि अभी हमारे समाज में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो स्त्रियाँ हैं वो अभी भी प्रॉपर्टी के लिए दावेदार नहीं है जबकि कानून इसको नहीं मानता है कानून ने अभी ये मान्यता दे दी है कि अगर किसी परिवार में इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी है तो वो स्त्री और पुरुष यानी लड़का और लड़की दोनों में ही विभाजित होगी तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज का भी अधिकार था ये भी कहीं ना कहीं स्त्रियों की एम्पावरमेंट में हेल्प करता है और उनको ये सक्षम बनाता है कि हाँ वो आगे चल सकते हैं इसी तरह जब मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करती हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अब यहाँ पर यही बात आती है कि पहले ये माना जाता था कि जो स्त्री जाती है या जो फीमेल्स हैं वो पढ़ नहीं लिख नहीं सकती उनको सिर्फ घर की ही चार दीवारी में रहना है तो वो जो एक बाउंडेशन थी अगर कोई अपनी इच्छा से रहता है वो एक अलग बात है लेकिन जो एक बाउंडेशन थी कि नहीं केवल स्त्री ही घर में रहेगी और पुरुष ही बाहर जाएंगे और शिक्षा का अधिकार भी केवल एक प वर्ग के पास ही था तो उसको भी इस बात से खारिज किया गया है और इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो हम कह ही नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी में स्त्री आगे नहीं आ सकती हैं या केवल पुरुष ही आगे आ सकते हैं तीसरा है इंटेलेक्चुअल रिसोर्स का जब मैं इंटेलेक्चुअल रिसोर्सिस की बात करती हूँ तो इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम उनसे काम ले रहे हैं और किस तरह से हम उनको सक्षम बना रहे हैं स्त्रियों के एम्पावरमेंट में हमने ये माना कि जो स्किल बेस्ड काम है उसमें वो अपनी ज़्यादा क्षमता जाहिर कर सकती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमने उनके लिए एक क्षेत्र को माना और उसमें आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने आगे बढ़ के दिखाया तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो ये है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं या इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं उसमें भी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बराबर का है और ना केवल बराबर का है बल्कि उसमें उन्होंने अपनी योग्यता को प्रूफ करा साथ ही साथ हम देखते हैं जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात आती है फाइनेंशियल रिसोर्स में भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ केवल पुरुष ही है जो इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे फाइनेंसिस में हम सब समझते हैं कि इसमें मोटा मोटा देखा जाए तो मनी से ही रिलेटेड बातें आती हैं लेकिन मनी है प्रॉपर्टी है शेयर बिजनेस है किसी भी तरह की चीज़ें हैं तो उन सब में जो है स्त्रियों का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर है और ये अब बिल्कुल मांग है ज़माने की मांग है और कानून और सरकार इसको समर्थन करती है कि इन चारों तरह के रिसोर्सिस में स्त्रियों के भागीदारिता को समान समझा जाता है और स्त्रियाँ किसी भी तरह अपने इन क्षेत्र इन क्षेत्रों में अपने रिसोर्सिस को यूज़ करके आगे बढ़ सकती हैं इसी तरह जब मैं आगे एम्पावरमेंट की बात करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि एम्पावरमेंट को हमने यहाँ पे कहा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज में भी उनके कंट्रीब्यूशन इं, है इंटेलेक्चुअल में भी है लेकिन जब हम एम्पावरमेंट को और ज़्यादा गहराई से देखते हैं तो एम्पावरमेंट जो है वो दो तरीके से सामने आती है एक है इंडिविजुअल एम्पावरमेंट एक है कलेक्टिव एम्पावरमेंट समाज में ना केवल स्त्रियों को अकेले आगे बढ़ना है बल्कि अपने साथ जो स्त्रियां हैं उनको भी आगे लेके बढ़ना है मैं हर बार ये नहीं कह सकती कि नहीं क्योंकि इंदिरा गांधी जैसे हमें मालूम है भारत की हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो भी एक फीमेल थी लेकिन उन्होंने उस पद पे पहुंच के दिखाया कि हाँ एक महिला देश को संभाल सकती है इसी तरह हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रतिभा पाटिल जी का तो ये दोनों वो एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं जिन्होंने देश के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें और उसको अपनी काबिलियत के साथ पूरा किया तो ये जब सब बातें आती हैं ये सब बातें आती हैं हमारी इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के साथ इसी तरह किरण बेदी जी हैं सुचेता कृपलानी हैं ये सारे वो एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने आते हैं जहाँ पर इन्होंने ये दिखाया कि हाँ किस तरह से अपनी परिस्थितियों से ना डरते हुए ये लोग आगे बढ़े और इन्होंने अपने आप को स्थापित किया जब मैं कलेक्टिव एम्पावरमेंट की बात करती हूँ तो कलेक्टिव एम्पावरमेंट में जहाँ पर आप कंसेंसिस के साथ आगे बढ़ते हैं इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वो है चिपको आंदोलन का चिपको आंदोलन में स्त्रियों की ही भूमिका सबसे ज़्यादा अग्रण्य रही थी उसमें उन्होंने का ये था कि क्योंकि उस गांव की औरतों को ये लगता था कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे वो अवेयरनेस जो पढ़े लिखे लोगों को शायद उतनी नहीं थी उस पुरुष समाज को इतनी नहीं थी लेकिन स्त्रियों के लिए क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि स्त्रियाँ ही सबसे ज़्यादा अगर पेड़ पौधों पेड़ पौधों की पूजा करती हैं उनको बहुत आराध्य मानती हैं तो उनमें ये एक अवेयरनेस भी थी कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे तो इस तरह से पूरे के पूरे गांव की स्त्रियों ने ना केवल उस समय अपने समाज में बल्कि देश के साथ ये वो एक सक्षम एग्जाम्पल प्रस्तुत किया और जब वो पेड़ों से चिपक गए तो वहाँ का जो वो आंदोलन था वो था कलेक्टिव एम्पावरमेंट का जहाँ पर एक डिसीजन के साथ वो लोग आगे बढ़ी और उन्होंने ये दिखाया कि नहीं कुछ गलत अगर समाज में होता है तो स्त्रियाँ उस गलत काम को रोक सकती हैं हाँ जी विनीता जी बिल्कुल आ, सही कहा मैम ने एम्पावरमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम ने डिफाइन किया अब थोड़ा सा इसी में अगर हम आगे बढ़ें वुमेन एम्पावरमेंट में तो हम ये देखते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हैं महिला सशक्तिकरण को दर्शाते हैं वो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं अगर हम एम्पावर्ड वुमेन की बात करें तो जैसे हम पहले बात करते हैं सेल्फ रिलायंट अगर महिला सेल्फ रिलायंट है तो इसका मतलब शी इज़ एम्पावर्ड वूमेन दूसरी बात करें अगर सेल्फ हाई सेल्फ इस्टीम उसका सेल्फ इस्टीम है तो वो एम्पावर्ड वूमेन है पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंटल प्रोसेस जैसे कि हम पहले भी बात कर चुकी हैं कि महिलाओं को डिसीज़न मेकिंग पार में या कहीं भी कोई प्रोसेस ऐसी चल रही है जहाँ पर उनका हम पार्टिसिपेशन ले सकते हैं और वहाँ अगर उनका पार्टिसिपेशन लेते हैं तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है आगे हम बात करें पार्टिसिपेशन डिसीज़न मेकिंग पार्स उसमें हम ये कह सकते हैं कि वही बात दोबारा से है कि अगर कहीं डिसीज़न लेना है कहीं चीज़ों को चुनना है और अब महिला को अगर आगे करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है अगर वही अगर महिला को हम एक तरफ कर दें नहीं पुरुष ही इस चीज़ का डिसीज़न लेगा तो फिर हम महिला सशक्तिकरण की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगा सकते अगर इसमें और बात करें तो और क्या चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं एम्पार्ड वोमेन को आ, इन वेरियस प्रोफेशन हम पहले भी जैसे मैडम ने बात की कि महिला को सिर्फ नर्स का काम या फिर टीचर का काम ही दिया जाए अगर सोच यहीं तक है तो हम एम्पावरमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते अगर में ये में एक चीज़ और ऐड करना चाहूंगी कि जब हम बात यहाँ करते हैं कि वेरियस प्रोफेशन में तो हम देखते हैं अब एक बहुत न्यूमरस एग्जा एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि बचेंद्री पाल हो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की या आ, अगर हम सबको मालूम हो कि हमारे देश की जो पहली फिजिशियन थी वो थी आनंदी बाय गोपाल राय जोशी 1887 में तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि जब भी उन्होंने समाज के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ें शिला द्वारे हैं आपको इसमें एक और एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगी शिला द्वारे हैं जिन्होंने पुणे में एक ऑटो स्कूल ड्राइविंग खोला है और वो पहली महिला थी जिन्होंने वहाँ पर ऑटो चलाया जबकि ऑटो चलाना जो है वो एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन माना गया है लेकिन ऐसा नहीं वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी प्रोफेशन के साथ या किसी कार्य के साथ ये बांध नहीं सकते कि हाँ ये केवल महिलाएं ही कर सकती हैं 1966 में हमने देखा रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी और आरती साह ने तो 1955 में ही इंग्लिश का क्रॉस आ, मतलब इंग्लिश चैनल जो था वो क्रॉस किया था मिताली राज मदर टेरेसा सानिया मिर्जा स्नेहा सानिया नेहवाल मेरी कॉम ये सारे वो एग्ज़ाम्पल हैं जो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हाँ इन्होंने किस तरह से अपने प्रोफेशन को चुना और जैसे मैंने पहले कहा था कलेक्टिव एम्पावरमेंट में तो ये अपने इंडिविजुअल एम्पावरमेंट से भी आगे बढ़ के कलेक्टिव एम्पावरमेंट में आए हैं और आ, लक्ष्मी जी का नाम जिन्होंने स्टॉप एसिड अटैक्स इसकी जो मूवमेंट चलाई थी जिसके ऊपर अब कानून भी बन चुका है तो ये कहीं ना कहीं जो है ना जो वेरियस प्रोफेशंस में जब आते हैं तो जब तक आप वेरियस प्रोफेशंस में नहीं आएंगे उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा तब तक एक योग्यता साबित भी नहीं हो पाएगी और स्त्रियों ने हर तरह के प्रोफेशन में आकर अपनी योग्यता को प्रूफ किया है जी बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वुमेन को काफी नए नए प्रोफेशंस में आना चाहिए और आ भी चुकी हैं काफ़ी हद तक आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए बहुत ही अलग अलग प्रोफेशंस के जिसमें महिलाओं ने अपना सशक्तिकरण दिखाया है और इसी में इंडिकेटर्स में अगर मैं अगला पॉइंट जोडूं तो वो है पार्टिसिपेशन इन सोशल चेंज अब यही जो औरतें हैं यही जो महिलाएं जिनका मैडम ने अभी नाम लिया रीता फारिया है या फिर और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ वो आप ये देखिए कि वही ऐसी महिलाएँ हैं जो सोशल चेंज लाने में हेल्पफुल रही हैं अगर एक पर्सन एक वुमेन ऐसा काम करती हैं तो डेफ़िनेटली अगर हम रीता फारिया की बात करें जो पहले सबसे पहले मिस वर्ल्ड रही हैं तो उनके बाद ही आप देखिए ये चीज़ शुरू हो गई कि वोमेन ने इस प्रोफेशन की तरफ़ जाना शुरू कर दिया तो एक सोशल चेंज आया लोगों के दिमाग में थोड़ा सा बदलाव आया कि लड़कियां इस तरफ भी जा सकती हैं और इसका कुछ वलगर या कुछ ऐसा नहीं माना जाएगा तो ये अगर औरतों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर है सोशल चेंज लाने में तो ये उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं ये कहूँगी कि सोशल चेंज के लिए अगला इंडिकेटर जो एम्पार्ड वोमेन को दर्शाता है वो है अवेयर अबाउट हर राइट अगर महिला अपने राइट्स के बारे में अवेयर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं वोमेन को लेकर अगर आ, महिला इस चीज़ से अवेयर है तो डेफ़िनेटली वो अपने आप को खड़ा कर सकती है एक समाज में तो ये कुछ पॉइंट्स थे ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो एक एम्पार्ड वमेन को दर्शाती है आगे मैं बात करूँगी कि ये वोमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है हम ये कहें कि वाई इट शुड बी क्यों ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट क्यों होनी चाहिए अगर हम मोटी मोटी बात करें तो मोटी मोटी बातों में मैं तीन पॉइंट्स जो मैं कहना चाहूँगी जिसमें सिर्फ पहला है एक्सप्लॉयटेशन दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन और तीसरा है हेरासमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सप्लोइटेशन या डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन यह दर्शाता है कि लड़की ये वाला काम करेगी ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है जैसे ही जन्म लेती है लड़की तो लड़कियों की एक डेजिगनेशन अलग अलग तरीके से होता है कि लड़की ये वाला काम करेगी और लड़का ये वाला काम करेगा उसे हम डिस्क्रिमिनेशन में कह सकते हैं कि पुरुष के लिए ये काम है तो ये पुरुष ही कर सकता है ये काम स्त्रियाँ नहीं करेंगी एक्सप्लोइटेशन की जब मैं बात करूं तो आप ये देखते हैं कि समाज में आज इस तरीके का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है और आज नहीं ये बहुत टाइम पहले से ही एक्सप्लोइटेशन चल रहा है तो एक्सप्लोइटेशन को अगर हमें दूर करना है नारी को हमें सशक्त बनाना है उसे खड़ा करना है अपने पैरों पर तो उसका एम्पावरमेंट करना उसका सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है उसे एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है उसे ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप ही समाज में खड़े होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है तीसरी बात इसी में जैसे हेरासमेंट की बात करें तो हेरासमेंट के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बकायदा मैं तो ये कहूँगी कि, कि काफ़ी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे लेकिन धीरे धीरे जब सब लोग अवेयर हो रहे हैं या अगर स्त्री एजुकेटेड हो रही है शिक्षित हो रही है तो ये हेरेसमेंट वाला केस थोड़ा हेरासमेंट वाले जो केसेस हैं वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं लेकिन ये तब और ज़्यादा कम होंगे जब आप महिला को उसका स्थान समाज में देंगी तो ये तीन 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 जैसे पॉइंट्स हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाई इट शुड बी वाई वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोइटेशन एंड हेरेसमेंट आगे मैं कि आगे नीड फॉर एम्पावर हाँ नीड फॉर एम्पावर वुमेन से पहले हमें ये भी लग रहा है कि जब हम यहाँ एक्सप्लाइटेशन हेरेसमेंट की बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि समाज में इतनी घटनाएं हो रही हैं तो सबसे पहले एक समाज में ना संवेदनशीलता का आना बहुत ज़रूरी है जब तक हमारा समाज इस चीज़ को ले सेंसिटिव नहीं होता है कि किस तरह से हमें इन सब चीज़ों के लिए सजग रहना है और क्यों ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमें लग रहा है कि अगर हेरेसमेंट हो रहा है तो होने दीजिए अगर किसी के साथ एक्सप्लाइटेशन हो रहा है तो होने दीजिए तो वो सब हमारे समाज में जो फैली हुई कुरूतियाँ हैं हम उनको दूर नहीं कर पाएंगे और इसको अगर मैं मोटे मोटे तीन चार चीज़ों में समझना चाहूँ तो सबसे पहले जो रोल है हमारी सरकार का है सरकार का रोल इसलिए है कि सरकार सबसे पहले उन चीज़ों को माने और समझे और उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए कि नहीं ये काम नहीं होने चाहिए जैसे हमने देखा आ, हमारे देश में ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ की मतलब ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमारे समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये मतलब सरकार इस तरह के जब प्रोग्राम्स चलाती हैं और उसके लिए ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में जब वो अपना प्रचार प्रसार करती है तो लोगों में भी एक जागरूकता आती है और दूसरा इसमें जो रोल आता है वो आता है जुडिशरी का यानी कानून का जो भी हमारे कानून इससे संबंधित बनते हैं उनमें हम उसको सख्ती से पालन करें ताकि जो भी कोई गलत करता है उसमें भी ये डर और भय बना रहे कि हाँ ये काम गलत हुआ है हमने देखा है कि अब आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के या हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर प्रसव से पूर्व भून की जांच नहीं की जाती कि वो लड़का है या लड़की है तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जब को समझा गया उसके ऊपर कानून बना और उसको सख्ती से लागू किया गया तो अब के समाज में ये पॉसिबल नहीं है कि हम पहले से ही ये पता लगा लें कि लड़का है या लड़की है और हम जो हैं उसको गर्भ में ही ख़त्म कर दें तीसरा इसमें रोल आता है सोसाइटी का सोसाइटी का तो रोल अगर देखा जाए सबसे ऊपर है कि सोसाइटी कैसे अपने आप को इसमें योगदान देकर उस बात को सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस चीज को समझें और अपने आसपास की जितनी भी नारियां हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े निधि मैम यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक देंगे फिर ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जरूर स्वयं डिजिटल इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस आरोप टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा that man दर्शकों ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम अपनी चर्चा वुमेन एम्पामेंट को फिर दोबारा से जारी रखते हैं तो हम बात कर रहे थे पहले व्हाई इट शुड बी वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है दो तो तीन पॉइंट्स हमने इसमें पहले डिस्कस किए जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की हमने हरेसमेंट की बात की अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि वाई देर इज़ नीड फॉर एम्पांग वेन इसमें हम कुछ पॉइंट्स को लेकर यह डिस्कशन करेंगे निधि मैम के साथ कि क्यों और डिटेल में मैं कहना चाहूँगी और डिटेल में इसकी डिस्कशन होगी कि क्यों ज़रूरी है एक महिला को सशक्त बनाना इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जो कि समाज में चल रहे हैं इस इसलिए हम इसे सशक्त बनाना वुमेन को सशक्त बनाना चाहते हैं इन कारणों में कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जैसे मैं छः की अगर बात करूँ जैसे नंबर वन पर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग पा दूसरी हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तीसरी हम बात करते हैं एक्सेस टू एजुकेशन फोर्थ एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट फिफ्थ एक्सपोज़र टू मीडिया एंड सिक्स वन इज़ डोमेस्टिक वायलेंस तो ये छः ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि एक वोमेन को एम्पार क्यों करना चाहिए इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वोमेन के लिए क्यों एम्पारमेंट ज़रूरी है तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिसीज़न मेकिंग पार की जो पहला पॉइंट है जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिसीज़न मेकिंग पार सिर्फ पुरुष के हाथ में नहीं होनी चाहिए हम बात करते हैं पुरुष प्रधान देश पुरुष प्रधान देश लेकिन हम ये कहें कि अगर महिला साथ में डिसीज़न नहीं लेगी तो मेरे ख्याल से चीज़ें उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगी जितने अच्छे से होनी चाहिए तो एक महिला को भी डिसीज़न मेकिंग पार का या हम ये कहें कि उसको भी चीज़ों का राइट है कि वो भी डिसीज़न ले सके और ये डिसीजन कई क्षेत्रों में हो सकते हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो कोई और बड़ा आइटम घर के लिए परचेज़ करना हो क्या करती हैं अक्सर महिलाएं है। अक्सर ये कहती हैं कि हस्बैंड आएंगे मैं उनसे डिस्कस करूँगी फिर हम जाकर ये काम करेंगे तो वो अकेली डिसीज़न क्यों नहीं ले सकती तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसलिए महिला को सशक्तिकरण करना ज़रूरी है महिला का कि वो अकेले डिसीज़न ले चीज़ों के लिए इतनी सशक्त हो कि वो अपना काम स्वयं कर सके तो इसी में अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे हाँ, तो क्योंकि नहीं। जब हम डिसीजन मेकिंग का देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो पावर का इन्फ्लुंस आता है वो डिसीजन से आता है कि कौन इस समाज में डिसीज़न ले रहा है तो जब डिसीज़न लेने का अधिकार ही महिला के पास नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भी जो डिसीज़न होगा वो उसके फेवर का नहीं होगा या बहुत कम फेवर का होगा तो ये कहना कि एक मतलब किसी भी जब मैंने पहले भी बात की थी कि जब हम डिसीज़न की बात करते हैं मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना है मतलब अगर मैं एक छोटी सा एक मोटा सा उदाहरण ले रही हूँ कि ये पहले से अगर समाज ने ही डिसाइड कर लिया है कि आप टीचर बन सकती हैं लड़कियों के लिए टीचिंग लाइन ही बेस्ट है देखिए क्या उत्तम है क्या अति उत्तम है ये परिस्थितियाँ डिसाइड करती है लेकिन हम उसको स्कूल में भेजते ही ये डिसाइड कर लेते हैं हमने देखा होगा कि जो खिलौने भी हमारे मार्केट में आते हैं उसमें कहा जाता है कि लड़कियां बारबी डॉल के साथ खेलेंगी और जो बॉयज़ हैं वो गन के साथ खेलेंगे या बॉयज़ के लिए आता है डॉक्टर सेट या वो मैकेनिकल टूल्स भी गर्ल्स और गिफ्ट भी जब हम देने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गिफ्ट में भी यही सारी चीज़ें रह जाती हैं जी बिल्कुल सही कह रही है नहीं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम तो अपने ही घरों से हमने बचपन से ही उस बच्चे को ये समझा दिया चाहे वो लड़का है या लड़की है मतलब तो बच्चों को में ही ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि बारबी डोल का गिफ्ट जो है वो बॉयज़ को नहीं दिया जा सकता डॉक्टर सेट या मैकेनिकल टूल्स का है वो गर्ल्स को नहीं दिया जा सकता तो वहीं से हमने डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभाजन करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ लड़कियों के लिए है ये चीज़ लड़कों के लिए है और आजकल तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि कितने खिलौने मतलब किचन सेट हो गया डाइनिंग रूम सेट हो गया दिस एंड डैड मतलब इतना सब कुछ लड़कियों के लिए है हमने उसकी नंबर्स तो बढ़ा दिए संख्या बढ़ा दी है, है खिलौनों की कि हम लेकिन संख्याओं के साथ साथ जो हमारा विभाजन था वो हम बढ़ाते चले गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक अगर एक घर में बच्चा ये देख रहा है कि मेरी माँ तो खाना बना रही है और मेरे फादर जो हैं वो बाहर जॉब कर रहे हैं और लड़कियां तो घर में रहेंगी और फादर बाहर जाके काम करेंगे तो वहीं से हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को लिमिटेड करना शुरू कर दिया है तो जो इस तरह की चीज़ें हैं और इसीलिए बॉयज़ भी कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूँगा लड़कियाँ कहते हैं मम्मी मैं ये काम कर लूँ तो परमिशन लेने में बॉयज़ को भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए लेकिन जब ये अथॉरिटी आ जाती है कि हाँ डिसीज़न कौन लेगा डिसीज़न अगर घर में केवल पुरुष ही ले रहा है मेरे हिसाब से जब डिसीजन की बात आती है तो वो दोनों की सहमति के साथ होना चाहिए दोनों की रजामंदी के साथ होना चाहिए और दोनों ही उस पर बैठ के सभी चीज़ों पे विचार विमर्श करें क्योंकि किसी भी बात के एक पहलू नहीं होता है उन सभी पहलुओं पे सोचना उन सभी पहलुओं पे अपनी राय जाहिर करना और एक सहमति के साथ डिसीजन लेना आज भी हमारे समाज में कहीं जगह ऐसी है कि जहाँ पर ये एक मतलब रिस्पेक्ट की बात तो ठीक है कि हम अपने बड़े बूढ़ों के आगे नहीं बात कर रहे हैं लेकिन लड़कियां इसलिए नहीं बोलेंगी क्योंकि वो लड़की है तो जहां ये टैग आ जाता है कि लड़की है इसलिए इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा वो गलत है तो जब डिसीज़न मेकिंग के हम इंडिकेटर्स में बात करते हैं तो इसीलिए बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में जब हम उसको सशक्त बना रहे हैं तो सशक्त इसलिए भी बना रहे हैं कि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी से के डिसीज़न ले सके उसको क्या पढ़ना है क्या खाना है क्या पीना है और क्या पहनना है यहाँ तो समाज ये भी बंदिशें लगा देता है कि लड़कियाँ इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हैं तो जब आप मतलब लड़कों के ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई जाती कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते तो जब हम इस तरह की बंदिशों की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत छोटी सोच को दर्शाती है तो हमें जो है अपने माइंड को अपनी सोच को अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह से आगे बढ़ाना है जो हमारे डेवलपमेंट की तरफ जाए ना कि हम सिर्फ एक पिछड़ती हुई परंपरा को आगे प्रोत्साहित करें तो डिसीज़न मेकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम इसलिए यहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस ढंग से बार बार कह रहे हैं कि डिसीज़न लेने से जो हमारे थॉट प्रोसेस है उनमें भी बढ़ावा मिलता है एक क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न होती है हर चीज़ के पहलुओं पर जब विचार विमर्श किया जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम अपने बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है तो इन सभी फैक्टर्स को साथ में लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्त्रियों में ये एक विश्वास उत्पन्न होता है जैसे यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि हर स्त्री की अपनी इच्छा का होना और अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करना ये उसका राइट right है इसी तरह डिसीज़न मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को देना ये उसका अधिकार है और हमें उसके इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए बिल्कुल आ, सही कहानी थी मैम ने आ, जो कि ये पहली नीड थी वुमेन एम्पावरमेंट की डिसीजन मेकिंग पार को लेकर अब जो हम दूसरी नीड कि महिला सशक्तिकरण क्यों ज़रूरी है उसमें हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की जो ये दर्शाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब हम ये कहें कि आज महिला अकेली नहीं घूम सकती घर से बाहर अगर उसे मार्केट जाना है या कहीं और जाना है कम्युनिटी से बाहर जाना है या तो वो अपने भाई के साथ जाएगी या वो अपने फ़ादर के साथ जाएगी ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि महिला सशक्त नहीं है वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपनी केयर खुद कर सके अपनी सेफ्टी खुद कर सके उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पुरुषों को भी समझाया जाए दूसरी साइड पर पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में यही बात करूंगी कि महिला को सशक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीज़न ले सके और अगर उसे मूवमेंट करनी है तो बाहर अपने आप जाए इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि जैसे आजकल ये चर्चा बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर उठ रही है कि लड़की शाम के समय घर से बाहर नहीं निकल सकती और बार बार ये बात सामने आ रही है कि लड़की नहीं निकल सकती तो कम से कम हम अपने घरों के लड़कों को भी ये बात कहें कि वो भी घर से बाहर ना निकले अगर हम इसको खाली अंधेरे से या वेदर के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ठीक है तो ये बात दोनों पे लागू होती है लेकिन लड़की घर से बाहर इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि लड़के उसको छेड़ेंगे यानी कि समाज लड़कों को छेड़ने के लिए अलाउ कर रहा है तो ये कितनी एक अजीब सी विडम्बना है हमारे समाज की कि वो एक तरफ़ तो लड़की की सेफ्टी की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ लड़कों को या एक उनको ये नहीं समझा समझाया जा रहा कि ये गलत है मतलब लड़की उस चीज़ से रोकने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये चूज़ कर लिया कि लड़की घर से बाहर ना निकले लेकिन लड़कों को ये ना समझाया जाए कि हाँ आपको इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है जो हमारे समाज के लिए निंदनीय हो हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं आज भी अगर कोई लड़का कहता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ तो उसको रोकने का या उसको समझाने के लिए किसी तरह का को कोई प्रयास नहीं है अगर उसको बाइक पे बाइक लेके शाम को या रात को घूमना है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो अलाउड है लेकिन अगर लड़की कहती है कि मुझे बाइक चलानी है या मुझे बाहर जाना है या मैं शाम को मैं भी मेले में जाना चाहती हूँ या मैं भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो उसको इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो लड़की है या उसको समझाया जाता है कि ये बंदिश आप पे इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि बाहर का समाज आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आप ये काम नहीं कर सकती मैं ये कहती हूँ कि हम जहाँ एक पक्ष को समझाने की बात कर रहे हैं वहीं पे हमें उसका दूसरा पहलू देखना ज़रूरी है और ये बताना ज़रूरी है कि जो समझाने वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस दोनों पे लागू होता है और दोनों ही पक्षों को ये समझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है अगर दोनों ही पक्षों के साथ सुलह वाले तरीके से उस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो ये घटनाएं ऑटोमेटिकली कम होंगी लेकिन हम केवल एक ही पक्ष के ऊपर ये बात डालते जाएंगे या इस तरह के जोक्स बनाते जाएंगे जहाँ पे लड़कियों को ही हीन दिशा में रखा जा रहा है तो समाज से किसी भी तरह की जो हम हेरेसमेंट की या अन अनैतिक अनाचार की बात कर रहे हैं वो कम नहीं हो सकता तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ये बात ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है मूवमेंट खाली हमें बाहर निकलने की फ्रीडम की बात नहीं कर रहा वो ये भी बात कर रहा है कि किस तरह से हम अपने दूसरे पक्ष को समझाएं और साथ ही जब मैं एम्पावरमेंट की बात करती हूँ और वो भी स्पेशली फीमेल्स के केस में तो अब जैसे सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि लड़कियों को आप इतना सबल बनाइए मैंने पहले भी कहा था कि एम्पावरमेंट का मतलब है सक्षम बनाना तो आप उस समस्या से कैसे जूझ सकती है इनकेस अगर आप उसको फेस भी करती हैं तो उसको जूझने के लिए हमने देखा है कि अब लड़कियों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों में होते हैं कॉलेज में होते हैं उस एरिया में जो पुलिस होती है वो इस तरह से कैंप लगाती हैं जिसमें हफ्ता दस दिन का कैंप होता है लड़कियों को ये प्रशिक्षित किया जाता है कि अगर कोई आपके साथ छेड़छाड़ करता है तो किस तरह से आप उस मोमेंट पे अपना बचाव कर सकती हैं हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है जो 24 घंटे लड़कियों के लिए या किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए तैयार है अब मोबाइल ऐप भी इस तरह से आ गया है कि गर्ल्स अपने मोबाइल में वो ऐप रख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक बटन दबाना होता है बाकी जी के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस में पहुँच जाती है और पुलिस उसके हिसाब से अपना एक्शन ले सकती है तो ये सब कहीं ना कहीं कदम जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं मैंने जैसे पहले भी कहा था कि समाज में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए और उस संवेदनशीलता में के अंतर्गत ही यह आता है कि अब समाज के कुछ पहलुओं ने इसको सोचा और इसके ऊपर अगर कानून बनाए हैं तो पुलिस ने भी इसके ऊपर कुछ कारगर कदम उठाए हैं और लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए यहाँ पे सक्षम का मतलब है सबल बनाना जहाँ पे वो शारीरिक रूप से सक्षम हो रही हैं कि वो कैसे और किन परिस्थितियों में अपना बचाव कर सकती हैं जी बिल्कुल इसे में हम आगे लेकर चलें पॉइंट्स को तो दो हम डिस्कस कर चुके हैं दो पर हम चर्चा कर चुके हैं जो तीसरा तीसरी जो नीड है वुमेन एम्परमेंट की वो है आपकी एक्सेस टू एजुकेशन से रिलेटेड एक्सेस टू एजुकेशन का मतलब हम ये कहेंगे कि लड़कियों शिक्षा जो है लड़कियों की पहुंच तक नहीं है हम ये कहेंगे कि जब शिक्षा लड़कियों को दी जाती है कई बार तो ऐसा होता है कि या तो लड़की को स्कूल ही नहीं भेजा जाता और स्कूल भेजा जाता है तो या तो प्राइमरी सेक्शन तक वो काम मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है उसके बाद उसे स्कूल छुड़वा दिया जाता है या फिर कई कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि घर की परिस्थितियाँ उसकी ऐसी है कि मम्मी पापा जो उसके माँ बाप हैं वो उसको अर्निंग की तरफ ले जाते हैं और उसका स्कूल छुड़वा देते हैं तो एक्सेस टू एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों को सशक्तिकरण मतलब, मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब विनीता जी ये बात कह रही थी तो मुझे एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा था और वो मेरी अपनी ही फैमिली से था कि लाइक मेरी अपनी दादी मतलब मैं अपनी ग्रांड मदर की बात कर रही हूँ जब वो छोटी थी तो उनके फादर को मतलब मैं अगर आज से अस्सी नब्बे साल पुरानी बात कर रही होंगी तो उनके फादर को समय लगा कि नहीं लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए बट समाज का ऐसा कोई मतलब समाज में ऐसे प्रचलन ही नहीं था कि आप लड़कियों को शिक्षा दे सको तो उनको जब इस चीज़ की बहुत ज़ोरदार मतलब फीलिंग हुई कि नहीं नहीं लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है लेकिन समाज से लड़ना उस समय उस जमाने में इतना आसान नहीं था तो उन्होंने अपनी ही मतलब घर में एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला और उस समय की जो अंग्रेजी सरकार थी उनसे परमिशन लेके वहां वहाँ पे एक स्कूल चलाया जो आज एक बहुत बड़े स्कूल के रूप में परिवर्तित हो चुका है तो कहीं ना कहीं जब हमारे दिमाग में हमारे मन में इस तरह की भावना उत्पन्न होती है तो वो एक आयाम पर भी पहुँचती है और शिक्षा को हम क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं सबसे ज़्यादा हमें यह समझना ज़रूरी है कि शिक्षा ही क्यों ऐसा नहीं है बाकी सभी का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है पर शिक्षा को हम क्यों मानते हैं क्योंकि शिक्षा इंसान को उसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो सोए हुए दिमाग को जगाती है हा खाली हम ये ना कहें कि हम उन्हें हिंदी पढ़ा रहे हैं या हम उन्हें मैथ्स पढ़ा रहे हैं या हम उन्हें सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं जब विभिन्न डिसिप्लिनस को पढ़ाया जाता है तो दिमाग का जो एक प्रोसेस होता है वो मल्टी डायरेक्शन में सोचता है मल्टी डायरेक्शन में जब सोचता है तो उसमें कहीं ना कहीं हर प्रोसेस को सुनने की समझने की क्षमता विकास होती है उसमें क्या गलत है क्या सही है वो आप उसकी जजमेंट कर सकते हैं और जजमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं जब हम दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो ये भी उत्पन्न होता है कि हाँ अगर मेरे साथ ऐसा होता तो ये सही है या गलत है केवल ये कह देने से अगर मेरे समाज में मैंने ये देखा कि भाई नहीं लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि वो गलत है तो अपने दिमाग में भी यही सोच बन जाएगी कि नहीं मुझे घर से बाहर नहीं जाना लेकिन अगर शिक्षा के थ्रू ये जागृति आ जाती है कि पढ़ने लिखने से हम और सक्षम होते हैं परिवार में हम सभी स्त्रियों को सभी पुरुषों को बराबर से उस प्रोसेस में देख रहे हैं तो कहीं ये भेदभाव उत्पन्न ही नहीं होगा तब कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग को दबाएगा ही नहीं उसको हरे ही नहीं करेगा तो इस तरह की जागृति को लाने के लिए जो शिक्षा का एक योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आर के टाइम में तो जहाँ पे ये मतलब राइट टू एजुकेशन अब ये मौलिक अधिकार बन गया है जहाँ पे एलिमेंट्री क्लासेस तक चौदह साल तक के बच्चों के लिए ये शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है इसका रीज़न भी यही था कि हम जब तक इस चीज़ को मैंने पहले भी कहा था जब तक सरकार कानून और समाज द्वारा इन चीज़ों पे सख्ती नहीं होगी तब तक हम शायद इन पर आगे बात या आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ऐसा नहीं है कि सरकार अब जागी है पिछले हम 60-70 सालों में देखते हैं बहुत कानून बने बहुत प्रावधान किए गए लेकिन क्योंकि वो चीज़ सख्ती से लागू नहीं की जा रही थी तो समाज अभी भी सुप्त अवस्था में था तो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए जब ये मौलिक अधिकार के उसमें आया और हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार बनते ही केवल सरकारी स्कूलों में नहीं पब्लिक स्कूलों में भी ये कंपलसरी हो गया कि उन्हें भी ये एडमिशन्स लेने हैं तो वो भी भेदभाव किया जा रहा है कि आप किस स्कूल में जा सकते हैं किस स्कूल में नहीं जा सकते हैं नेबरहुड स्कूल के कंसेप्ट में यही रखा गया था कि जो घर के पास हो क्योंकि अगर किसी भी लड़के या लड़की को बहुत डिस्टेंस चल के जाना पड़ता है तो वो शायद उसके बचपन के हिसाब से जो हम कहते हैं कि आपके चाइल्डहुड में वो आप मतलब इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप इतनी कम्यूटिंग के बाद उस एजुकेशन को ले सकें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर जो प्रावधान बनाए गए और उन्हें सख्ती से लागू किया गया तो हम देखते हैं कि हाँ हमारे समाज में थोड़ी चेतना उत्पन्न हुई है और समाज आगे बढ़ रहा है तो जो शिक्षा के अधिकार की अगर मैं बात करती हूँ उसके साथ साथ एक नेशनल पॉलिसी ऑफ़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारा जो पर्पस है वुमेन को एम्पावर करना ही है जिसमें हाँ शिक्षा में भी ये ध्यान रखा गया है कि आप उन्हें बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ उन्हें स्किल बेस्ड काम भी सिखाएंगे ताकि एक हाथ का हुनर हमारे घरों में हमने देखा है कि हमारी मम्मी दादी नानी सब बहुत काम करती थी तो ऐसा नहीं है कि उनको उस काम की जानकारी नहीं है लेकिन अगर हम उसको उस हुनर को उस काम को एक व्यवसाय के तौर पर उनको सिखाएं तो वो आगे अपना जीवनोपार्जन भी कर सकती हैं जी बिल्कुल ठीक कहा निधि मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए एक्सेस टू एजुकेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों को अगर शिक्षा देनी है तो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसा कि अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ज़्यादा दूर स्कूल नहीं होना चाहिए घर के पास होना चाहिए या फिर उनके टाइमिंग्स को लेकर या करिकुलम को लेकर भी कुछ अगर ऐसे इश्यूज़ हैं तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है कि हर तरीके से वो लड़कियों के लिए कन्वीनियंट बनाई जाए लेकिन ये तभी कुछ तभी हो पाएगा जैसे कि आपने पहले भी कहा कि जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी इसके रिगार्डिंग तक तब तक हम महिला को सशक्त नहीं कर पाएंगे और एजुकेशन ही एक ऐसा पावरफुल टूल है जो महिला को सशक्त कर सकते हैं ये प्राइमरी रूप से पहला टूल ये कहेंगे कि शिक्षा ही प्राइमरी टूल है जो एक महिला को सशक्त कर सकता है आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट में हम ये कह सकते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है रोज़गार की बात होती है तो हम महिलाओं को पहले भी ये बात हो चुकी है कि सिर्फ़ एक नर्स के प्रोफेशन या एक टीचिंग के प्रोफ़ेशन अक्सर हम ये कहते हैं कि लड़कियों के लिए टीचिंग ही बहुत अच्छी है टीचिंग ही बढ़िया है क्यों क्योंकि टीचिंग के जो टाइमिंग्स होते हैं एक टीचर के टाइमिंग्स होते हैं वो स्कूल टाइमिंग्स के हिसाब से सुबह टाइमली अपने जाना आठ साढ़े आठ बजे उसके बाद दो या ढाई बजे तक आपका स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद लड़की या महिला जो भी है वो घर पर रहती है बच्चों को देखती है अपने परिवार को देखती है लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आज आ, समाज में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें महिलाएं जा सकती हैं लेकिन वहाँ भी एक रोक आ जाती है कि कई प्रोफेशंस में लड़कियों को या महिलाओं को ऊपर टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है वहाँ तक जाने से रोका जाता है या उनके लिए ऐसी वैकेंसीज ही क्रिएट नहीं की जाती कि लड़की वहाँ तक पहुँच पाए तो मैं थोड़ा सा निधि मैम से ये कहूँगी कि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे अनुच्छेद 39 में ये क्लियर किया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी कि जो स्त्री काम कर रही है वो जो भी कोई कार्य है चाहे वो पुरुष कर रहा है या स्त्री कर रही है दोनों को अपने कार्य के अनुसार पेमेंट दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा कि पुरुष को उस कार्य के लिए ज़्यादा वेतन मिल रहा है और स्त्री को उस काम के लिए कम वेतन मिल रहा है साथ ही इसमें एक ये भी चीज़ समझने की है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जब भी हमारी कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम निकलती है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें स्त्री जो है केवल पाँच प्रतिशत आएगी या दस प्रतिशत आएगी कोई भी पोस्ट के लिए जब एम्प्लॉयमेंट का एक आवेदन किया जाता है तो उसमें स्त्री और पुरुष बराबर प्रतिशत में उसको अप्लाई कर सकते हैं तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने कभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि नहीं इस प्रोफेशन में केवल लड़के ही आ सकते हैं ये हमारे समाज की मानसिकता थी यहाँ हम देखते हैं कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जैसे अगर मान लीजिए पहले ऐसे ज़्यादा होता था कि इंजीनियरिंग में आ, लड़के ही लड़के जा रहे हैं लड़के ही उस फॉर्म पे आवेदन ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जब एजुकेशन आगे मतलब एजुकेशन को प्रमोशन मिली और लड़कियों ने भी आ, मतलब पहले एक बड़ा कॉमन सा रहता था कि लड़कियाँ केवल ह्यूमैनिटीज़ के ही पेपर्स पढ़ेंगी पर अब धीरे धीरे ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ कॉमर्स हैं साइंस हैं मैनेजमेंट है इन सब के वो डिसिप्लिन पढ़ती हैं आगे बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि चाहे वो इंजीनियरिंग है चाहे वो मेडिकल है या मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं लड़कियों की भागीदारीता सब में ज़्यादा ही मैं कहूँगी कम तो हो ही नहीं रही है तो कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं तो हमने ये देखते हैं कि स्त्रियों को जब भी मौका मिला उनको अपनी क्षमता दिखाने का उन्होंने अपनी क्षमता को भरपूर दिखाया और वो क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं साथ ही साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि ये भी सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि महिलाएं अगर हमारे कोई बायोलॉजिकल रीजन्स हैं या तो हम उनको ध्यान में रख के उनके साथ वो कार्य क्षेत्र के सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं ऐसा हम नहीं कह सकते कि जब हम बराबरी की बात करें तो जो हमारे बायोलॉजिकल डिफ्रेंसेज हैं हम उनको भूल जाएँ डॉक्टर निधि बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी इस पॉइंट के रिगार्डिंग अब दर्शकों थोड़ा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, इंडिया। एजुकेटेड शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित बागदा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा हम अपना हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों परीक्षा का अवसर एक जी दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत है हम चर्चा कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो कि आज का हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण हम इसमें जो पॉइंट्स कर रहे थे जो मेन पॉइंट था हमारा वो था हमारा नीड फॉर वोमेन एम्पावरमेंट वोमेन एम्पावरमेंट की नीड क्यों है या महिला सशक्तिकरण क्यों ज़रूरी है चार पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं मैडम निधि के साथ अब दो पॉइंट्स इसके अंदर जो बाकी हैं उसमें से जो पहला पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है डोमेस्टिक वायलेंस कि महिला सशक्तिकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि घर पर मारपीट और ऐसी वाली चीज़ें जो महिलाओं के साथ घर पर की जाती है ये मारपीट दहेज को लेकर भी हो सकती है किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकती है और भी कई बातें हो सकती हैं अब जब हम बात करते हैं महिला को सशक्त करने की तो अगर हम दूसरी तरफ बात करें पुरुष तो सशक्त है अगर हम पुरुष को एजुकेशन देते हैं हम महिलाओं की एजुकेशन कम मानते हैं कि महिला कम एजुकेटेड है हमारी कंट्री में लेकिन पुरुष तो एजुकेटेड है तो फिर वो ऐसी बातें क्यों करता है तो अगर हम इसी को डिस्कस करें तो अगर पुरुष ही ऐसी बात कर रहा है तो फिर तो मतलब ये कहना चाहेंगे कि फिर हम कैसे महिला को सशक्त करेंगे इसके लिए तो अगर थोड़ा सा अगर मैडम इसमें ऐड करना चाहें विनीता जी आपने बहुत सही कहा है कि पुरुष तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि पुरुष को तो शुरू से ही शिक्षा मिल रही है लेकिन वो उस शिक्षा का सदुपयोग कहाँ कर रहा है वो तो उसका दुरुपयोग कर रहा है क्यों क्यों कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे सामने महिला है, वो उस समाज में अबला है हमने क्या करा हमने समाज में जो उसकी स्थिति बना दी है वो उसकी दुर्बलता की बना दी है पुरुष को ये बता दिया गया है कि आप पावरफुल हो पावर जो है आप बलशाली भी हो और आपके पास अधिकार है उसको मारने का क्यों क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी कहीं क्षेत्रों में या कहीं जगहों पे औरतें कहती है नहीं रहने दीजिए ये मेरा पति है अरे मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को अगर मारता है या किसी भी तरह से फिजिकली हिट करता है तो वो कानून की नज़र में अपराध है लेकिन समाज उसको कहता है कि अगर समाज में एक पुरुष ने एक दूसरे पुरुष को मारा तो वो अपराध है लेकिन अगर एक पुरुष ने एक स्त्री को मारा या उसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार किया तो वो उसको उस अपराध के दायरे में नहीं आते जिस अपराध के दायरे में वो आता है वो वहाँ पे संबंधों में या किसी तरह के सामाजिक परिस्थितियों में उसको समझा दिया जाता है हमने जब शुरू में भी बात की थी कि पावर ओवर तो जब पावर ओवर की हम बात कर रहे थे तो उसमें यही तो था कि वो सबॉर्डिनेशन होना चाहिए वो कॉर्डिनेशन होना चाहिए लेकिन कॉर्डिनेशन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं हमने कहा कि एक परिवार में जो पुरुष है वो प्रधान है चलिए प्रधानता को भी हम नहीं मतलब ज़्यादा उसको छेड़ते लेकिन प्रधानता के साथ साथ हमने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको ये राइट भी दे दिया कि वो स्त्रियाँ उस घर पे काम भी करेंगी और पुरुष के द्वारा सभी अत्याचारों को भी सहेंगी वो उसके साथ जब चाहे जिस भी परिस्थिति में चाहे जैसे भी व्यवहार करे उसको अपनाना होगा क्योंकि वो उसका पति है या क्योंकि वो उसके फादर हैं या वो उसके ब्रदर हैं तो जब इस तरह से समाज ने वो करा तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का रूप लेते चले गए हैं कई घरों में हम ये देखते हैं कि स्त्रियां कमा के लेके जाती हैं उसके बाद भी उस घर में वो पुरुष कहता है कि कमा रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है ये मनी पर भी मेरा अधिकार है और स्त्री उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाती क्योंकि वो देखते हैं कि वो ऑब्जेक्शन अगर यहाँ करती है तो समाज के किस हिस्से में जाएंगी उसी घर में जब हमने कहा था कि जब समाज में जब वो रह रही है तो उसके अपने ही परिवार के जो बाकी लोग होंगे चाहे वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं वो भी कहेंगे कि हाँ हाँ वो तेरा पति है या वो तेरे ब्रदर हैं या वो तेरे फादर है तो तुम्हारी कमाई का भी जो हाँ पे वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है उस पर भी उसका अधिकार मान लिया जाता है और अगर वो देने से मना करती है तो उसके साथ मारपीट या गलत व्यवहार किया जाता है और फिर ये कहते हैं कि वापस आपको इसी घर में आना है तो जो समाज ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि किसी भी स्त्री को ना चाहते हुए भी उन परिस्थिति में अपने आप से समझौता करना पड़ता है और उसको वहीं पे वैसे ही गुजारा करना पड़ता है तो ये जो है ये सब कानून की नज़र में सरकार की नज़र में गलत है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं और साथ ही साथ वो अपने ही घर में उस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अब तो जो कानून बने हैं वो खाली यहाँ पर स्त्री पुरुष तो है ही साथ में डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे हमने पहले रिलेशनशिप के नाम पर संबंधों के नाम पर उसको जकड़ रखा था अब हमने उससे भी उसको आज़ाद करने की कोशिश की है कि अगर घर में भी चाहे वो आपके फादर हो, ब्रदर हो चाहे वो आपकी मदर ही क्यों ना हो मतलब मैं यहाँ पे यह भी क्लियर करूँगी कि अगर किसी भी स्त्री के ऊपर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा चाहे वो पर्सन पुरुष है या स्त्री है के द्वारा अगर अत्याचार किया जाता है तो वो अगर वो घर के ही रिलेशनशिप में आ रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है और वो अपनी शिकायत आगे दर्ज करा सकती है यहाँ पर्पस ये है कि उसके ऊपर कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचे कि हाँ उसके पास एक अधिकार है जो वो अपने गलत होते हुए वे व्यवहार पर आवाज़ उठा सकती है और उसकी इस आवाज़ को सपोर्ट करेंगी सरकार और कानून जी बिल्कुल ठीक कहा आपने निधि मैम जब तक महिला अपने अधिकारों से अवेयर नहीं होगी तब तक वो अब स्टेप नहीं उठा सकती उसे अपने अधिकारों का पता होना चाहिए तभी ये डोमेस्टिक वायलेंस दूर किया जा सकता है और एक बहुत बड़ा कारण है ये डोमेस्टिक वायलेंस जिसकी वजह से महिला पिछड़ती जा रही है अगर वो राइट अपना रखेगी तो डेफिनेटली वो समाज में खड़ी हो पाएगी इसी में आगे कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो दर्शाता है नीड को कि हमें क्यों ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण तो अगला पॉइंट क्या था एक्सपोज़र टू मीडिया मीडिया के सामने एक्सपोज़र हमने ये देखा है कि वोमेन जो है मीडिया के सामने बहुत कम आती है एज़ टू मेन एक सर्वे के हिसाब से 71 परसेंट जो वोमेन है वो मीडिया uh, के सामने एक्सपोज़र करती हैं जबकि uh, अगर uh, पुरुषों की गिनती करें तो उसमें वो 88 परसेंट के दायरे में आते हैं तो महिलाओं का जो मीडिया के सामने एक्सपोज़र है वो बहुत कम है अगर वो मीडिया के सामने आती है तो हमें ये लगता है कि ये महिला कितनी इसने अचीवमेंट ली है कहाँ तक ये पहुँची है तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए और ये चीज़ें बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाती है बाकी महिलाओं के लिए एग्जाम्पल बन जाती है कि वो महिला अपने पैरों पर खड़ी है तो मैं क्यों नहीं हो सकती तो इसी में अगर आगे हम कुछ कहना चाहेंगे तो? आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ना मीडिया के डिफरेंट जो पहलू हैं जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उस पर भी हम थोड़ा सा डिटेल में नज़र डाल सकते हैं अगर जो प्रचलित मीडिया है वो हैं फिल्में और हमने देखा है कि आ, मैं यहाँ पे जो मीडिया की भूमिका है उसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि जो फिल्मों ने एक तरफ शायद स्त्री को केवल वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिल्मों के द्वारा स्त्रियों के अधिकारों की भी बात प्रस्तुत की गई है हम आज की फ़िल्में देखें या पुराने जमाने की फिल्में देखें उन सब में कहीं ना कहीं स्त्रियों के अधिकारों की स्त्रियों की स्थिति को भी उजागर किया गया है कई जगह ये भी दिखाया गया है कि कौन सी परिस्थितियाँ गलत हो सकती है क्यों और उसका क्या उपाय हो सकता है और उसमें उस तरह की फिल्में हालांकि हमारे समाज में बनती कम है लेकिन कहीं ना कहीं उन फिल्मों के द्वारा ये दिखाया गया है कि अगर स्त्री कोई कदम उठाती है तो वो कदम जो है वो उस समय तो किसी को गलत लग सकता है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है और वो फर्दर आगे ऐसे गलत काम होने से रोक भी देता है तो और कहीं ना कहीं जो कानून उनको कैसे उसमें हेल्प करता है सरकार कैसे हेल्प करती है वो भी लोगों में क्लैरिटी हो जाती है हो सकता है हम यहाँ इतने कानून हमारे बन रहे हैं इतने सरकार के द्वारा प्रावधान है लेकिन सभी तक इसकी जानकारी ना पहुँच पा रही हूँ लेकिन फिल्मों के द्वारा इन सब की जानकारी पहुँच जाती है हाल ही में हमने देखा कि जैसे आ, एक मूवी आई थी पिंक जिसमें बहुत उसमें समझाया गया था कि उसके कानूनन अधिकार क्या हैं ये समझना कि एक लड़की का जो हॉस्टल में रह रही है किस तरह से रह रही है तो उसके पास अपने क्या कानूनन अधिकार है उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ प्रस्तुत किया तो ऐसा नहीं है कि हम खाली ये देखें कि जब तक हम किताबों के ज़रिए उस चीज़ को पहुँचा रहे हैं तो मीडिया का भी ये एक रोल बन जाता है कि कैसे वो उसके जो सशक्तिकरण की बातें हैं जो सरकार द्वारा प्रावधान है, वो कैसे वो आगे बता सकते हैं इसके साथ ही हमने देखा है कि जो रेडियो टेलीविज़न इस पर बहुत इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं जो उनको उनसे संबंधित चीज़ों की जानकारी देते हैं एच एड्स के बारे में हो या टीकाकरण के बारे में हो हम ये तो कह देते हैं कि माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों को देखना उसका लालन पालन करना लेकिन जब इस तरह की योजनाएं आती हैं तो कोई भी पुरुष जो है वो इसमें अपनी भागीदारीता को जोश के साथ नहीं दिखाता तो स्त्रियों तक उन जानकारी को कैसे पहुँचाया जाए तो स्त्रियों के पास वो जानकारी समय पर पहुँचें और वो सुविधाएँ उनको कहाँ पर उपलब्ध होंगी इन सबकी जानकारी के लिए रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर ये बहुत हैं कोई भी प्रोग्राम होता है सरकार द्वारा कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है तो सबसे पहले इन प्रोग्रामों की जानकारी इन मीडिया के द्वारा दी जाती है और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आगे आएंगी हालांकि उम्मीद तो ये भी की जाती है कि पुरुष भी आगे आएगा और उसके ऊपर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा लेकिन हमने ये देखा है कि जब इस तरह की जिम्मेवारी की बात आती है तो वहाँ पर पुरुष पीछे हट जाता है वहाँ पर स्त्रियों को ही आगे आना पड़ता है लेकिन वो आगे आए और आगे आके उस सुविधा का लाभ उठा सकें यहाँ तक के लिए सरकार ने जो है न्यूज़पेपर, रेडियो टेलीविज़न नेट मूवीज़ या आ, मतलब लोकल जो उनके अपने लोकल नेटवर्क्स होते हैं उन सब का बहुत योगदान लिया है और साथ ही इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जैसे जब एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनती है तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को ये लगता है कि हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं अब सरकार द्वारा ऐसी भी आ, स्कीम्स चलाई जा रही हैं जहाँ पे वहीं पे लोकल लेडीज़ को वो कितनी एजुकेटेड हैं या नहीं है इ रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ये उनको एक किसी एक हुनर में आ, उनका विकास किया गया जैसे अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एस ई डब्ल्यू ए सेवा में वहाँ पे वो लेडीज़ ने आ, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी सीखी है जो शायद कैमरे को वैसे नहीं जानती थी उसमें ये नहीं देखा गया कि वो कितनी शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं लेकिन उनको इस तरह से आ, समझाया गया करा गया कि वो अपनी ही क्षेत्र की बहुत सारी चीज़ों की कवरेज करके उसको लोगों तक सामने ला सकती हैं तो मीडिया ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आ, मतलब बढ़ावा दिया है कि स्त्रियाँ इस क्षेत्र में आगे आ सकती हैं हालांकि अभी भी अगर मैं परसेंटेज के में देखूं तो स्त्रियों की भागीदारीता बहुत कम है हमें निश्चित रूप से उनकी इस भागीदारीता को आगे बढ़ाना है और साथ ही हमें ये भी दिखाना है कि अगर हम स्त्रियों को खाली टीवी पर एक मॉडल के रूप में या हीरोइन के रूप में देखते हैं जिसकी सेकेंडरी भूमिका है तो वो गलत है अब यहाँ पे कुछ भी सेकेंडरी नहीं है कुछ भी प्राइमरी नहीं है या कुछ भी मेन नहीं है तो हर चीज़ जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पर चल रही है और उसी पर दोनों ही वर्ग आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि हम स्त्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुरुष समाज को पीछे करना ऐसा बिल्कुल सरकार का कानून का या समाज का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है बात यहाँ पे ये यह है कि वो जिस भी क्षेत्र में वहां पे कंधे से कंधा बढ़ा के आगे बढ़ रही हैं जैसा कि अभी हमने छह पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की कि नीड फॉर वुमेन एम्पामेंट जिसमें हमने छः पॉइंट्स इंक्लूड किए और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे आगे जो हम लेके चल रहे हैं वो आप जैसे देख सकते हैं कि वुमेन हु आर एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एम्पामेंट मैडम पहले भी बता चुकी है हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हैं या हम बात करें एम्पार्ड लेडी जो हमने पहले भी बात की है कि हम एक महिला को कैसे कहेंगे कि शी इज़ एन एम्पावर्ड लेडी तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने बताना चाहूँगी जैसे आपकी ऐश्वर्या राय है मदर टेरेसा है आपकी कल्पना चावला है माधुरी दीक्षित हैं इंदिरा गांधी ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हैं इंदिरा गांधी जी की बात मैडम पहले भी कर चुकी हैं तो ये बहुत बहुत बड़े एग्ज़ैम्पल के रूप में हमारे सामने ये सारी पर्सनालिटीज़ हैं इनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये सशक्त महिला हैं हर एक महिला का एक अपना आ, समाज में रोल है उन्होंने जो कुछ किया अचीव किया वो आप देख सकते हैं इन महिलाओं के हिसाब से आगे हम चलें तो आगे हम अगर बात करते हैं तो देर आर दिक्स सिक्स एस फॉर वुमेन एम्पारमेंट जहाँ हम वोमेन एम्पारमेंट की बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें एक छः एस का कोई स्पेशल रोल है जो मैं यहाँ पर यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो छह एस क्या चीज़ है वो इसी में से जो हमने अभी तक चर्चा की है उसी में से ही निकले हुए कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की शिक्षा एस फॉर शिक्षा शिक्षा को हम कह सकते हैं एजुकेशन और दूसरा हम बात करें दूसरा एस जो है वुमेन एम्पॉर्मेंट के लिए वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है स्वास्थ्य तीसरा जो है वो स्वलन या इसे हम इंग्लिश में बात करें तो द वर्ड इज सेल्फ रिलायंस और चौथा है इसमें सामाजिक न्याय जिस पर हम बहुत बार अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं जस्टिस कि जस्टिस होना चाहिए अगर महिला को सशक्त बनाना है तो उसके साथ जस्टिस करना चाहिए और आगे हम बात करें तो संवेदन हम पहले भी बात कर चुके हैं मैडम ने भी बात की कि सेंसिटिविटी संवेदना होनी चाहिए समाज संवेदन होना चाहिए संवेदनशील होना चाहिए एक महिला के प्रति तभी वो अपने आप को समाज में खड़ा कर सकती है अगर आप उसके प्रति ऐसा रुख रखेंगे नहीं महिला है इसको तो अधिकार नहीं देने चाहिए ये क्या कर सकती है ऐसी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए और जो लास्ट सिक्स एस में जो वुमेन एम्पामेंट में हम इंक्लूड करते हैं वो है समता समता इज़ इक्वालिटी ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वुमेन हैव ऑल्सो द इक्वल राइट्स वुमेन का भी पूरा अधिकार है जैसे कि पुरुषों का अधिकार है वैसे ही वुमेन का अधिकार है और वुमेन का अधिकार काफ़ी जगह पर हो सकते हैं जैसे हमने पहले बात की डिसीजन मेकिंग पावर में उसका इक्वल अधिकार होना चाहिए कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी कुछ भी ऐसा तो वुमेन को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है अगर उसे सशक्त बनाना है तो ये छः एस ऐसे हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हैं जब विनीता जी बात कर रही थी एजुकेशन शिक्षा तो उस समय मुझे नेहरू जी का एक वाक्य याद आ रहा था नेहरू जी कहते थे if you एजुकेट a man you एजुकेट an इंडिविजुअल however if you educate एजुकेट woman you educate एजुकेट whole family फैमिली तो नेहरू जी का ये वाक्य शत प्रतिशत सही है कि अगर हम एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो हम एक पूरी फैमिली को शिक्षित कर रहे हैं लेकिन अगर हम खाली एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं तो केवल एक इंडिविजुअल को शिक्षित कर रहे हैं हमने देखा है कि जो स्त्री है वो पूरे घर को चला रही है ये एक बहुत गौरव की बात है हम इसको कहीं पर भी डिनाई नहीं कर रहे हैं स्त्री घर को चला रही है लेकिन अगर उस स्त्री के पास ज्ञान का भाव है तो उसके उस कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा शायद वो अपने बच्चों को उस तरह से आ, नहीं चीज़ों को आगे उजागर कर पाए जो एक शिक्षित महिला के द्वारा हो सकता है कब किस तरह के जैसे अगर मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही जाऊँ टीकाकरण की ज़रूरत है लेकिन टीकाकरण की ज़रूरत है क्यों अगर कोई भी आके उसको कह दे कि नहीं टीके से कुछ नहीं होगा जैसे पहले हमने देखा भी है कि हमारे समाज में गांवों में आज भी शायद ये प्रचलित हो कि झाड़ फूँक से ही इलाज हो जाता है जबकि इसमें कोई वैज्ञानिक सत्यता नहीं है बट टीकाकरण की ज़रूरत है अगर कोई बीमार पड़ जाए उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है उसको दवाइयों की ज़रूरत है या वो खुद भी बीमार हैं या उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है तो ये सेल्फ अवेयरनेस उसको कैसे हो नहीं तो समाज में या उसके परिवार के किसी सदस्य ने कह दिया कि नहीं आप ये काढ़ा पी लीजिए या आप ये झाड़ करवा लीजिए ये तो माता का प्रकोप है जब इस तरह का अंधविश्वास समाज में फैला हुआ हो तो वो इस अंधविश्वास से बाहर कैसे निकलेगी और ये अंधविश्वास से बाहर निकलना उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है हम बाद में ये बात समझेंगे कि क्यों दूसरों को वो एजुकेट कर रही है या कैसे एक परिवार उससे फ़ायदा उठा रहा है लेकिन क्या उसकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अपनी आइडेंटिटी के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं तो जब हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक सेल्फ़ अवेयरनेस हो जब हम बात करते हैं ना स्वावलंबन तो स्वावलंबन में कहीं ना कहीं ये सबसे पहला जो आता है वो सेल्फ़ अवेयरनेस है मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ काम करने की बात नहीं है कि वो काम नहीं करेगी वो काम करेगी लेकिन क्या वो हमेशा दूसरों के द्वारा बताए गए कार्य को ही करेगी या वो अपनी इच्छा से भी कर सकती है क्या वो केवल टीचर ही बन सकती है क्या वो स्पोर्ट पर्सन नहीं बन सकती क्या वो केवल नर्स ही बन सकती है वो डॉक्टर नहीं बन सकती तो जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं एक अगर नर्स बनने योग्य है यानी कि उसमें एक सेवा भाव है तो वो सेवा भाव डॉक्टर में होना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है तो हम जिन करेक्ट्रिस्टिक्स को लेके जिन गुणों को लेके उसके लिए कुछ प्रोफेशन को डिसाइड करते हैं तो वो सारी चीज़ें तो बाकी प्रोफेशन के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं और सबसे पहले तो उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है हो सकता है उसमें गाने की क्षमता बहुत अच्छी हो हो सकता है उसके पास हाथ का कौशल बहुत अच्छा हो वो बहुत अच्छी चित्रकार बन सकती हो हम ये क्यों समझें कि हमेशा जो चित्रकार है वो एक मेल ही हो सकता है तो इन सब चीज़ों से जब हम आगे उभरते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि सबसे उस घर की महिला को अपने अंदर एक जागृति लानी है उसको ये समझना है कि हाँ मैं कौन हूँ क्या हूँ और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ और शिक्षा के द्वारा कैसे मैं अपना और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हूँ और मेरे अपने जितने भी बच्चे हैं चाहे वो बच्चे लड़के हैं या लड़की है उन दोनों में समानता रख के उनको आगे बढ़ा सकती हूँ आज हमारे समाज को ज़रूरत किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की नहीं है समाज को आगे बढ़ना है देश को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए सभी के कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है तो इन सब चीज़ों की समझ जो है वो एक शिक्षित महिला में ही हो सकती है नहीं तो हो सकता है कि शिक्षा के कारण उसे लगता है कि अगर मेरा काम भी कहाला खाली चूल्हे चौके में सिमट के रहना है तो मेरी बेटी भी यही करेगी तो वो कभी भी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करेगी तो अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी ये समझ विकसित होती है कि किस तरह से वो समाज में फैले हुए अंधविश्वास से हटकर चलेगी कैसे अपने परिवार को अपने बच्चों को परिवार के बाकी सदस्यों की हेल्थ में ध्यान रखेगी उनकी शिक्षा में ध्यान रखेगी और उनके साथ वो कदम से कदम मिला आगे चलेगी साथ ही इसमें ये बात ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि जब हम समता की बात करते हैं तो समता की बात में कि जब कार्य हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कार्य में भी कि जब घर में जो कार्य है अगर स्त्री बाहर निकल के कार्य कर रही है तो पुरुष जो घर में रह रहा है वो भी घर के कार्यों में अपना योगदान दे उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कार्य लड़के नहीं कर सकते घर के जितने भी कार्य हैं वो कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है और अगर एक स्त्री बाहर जाके काम कर सकती है जिसको वो ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है तो घर में रहने वाला पुरुष भी अपने कामों अपने सहयोग द्वारा उस कार्य में योगदान दे सकता है तो इन सब चीज़ों का एक इंटीग्रेशन रूप है और हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार यही है कि ये हमारे समाज की ज़रूरत है ये केवल एक परिवार की एक जाति की या एक समुदाय की ज़रूरत नहीं है ये समाज की ज़रूरत है ये देश की जरूरत है देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो जब हम इन सब पे बातचीत करते हैं इन सब को गहराई से सोचते हैं तब हमें समझ आता है कि किस तरह ये बहुत जरूरी है कि हम जो हैं आगे बढ़ें और शिक्षा के द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों वर्ग को आगे लेकर चले और वुमेन एम्पावरमेंट में जो पावरफुल की हम बात कर रहे हैं उसको हम सही मायनों में प्रूफ कर सके आगे हम बात करते हैं जैसे हमने छः एस सिक्स एस की अभी हमने बात की जो वुमेन एम्पारमेंट में बहुत ज़रूरी है अब हम आगे बात करते हैं एम्पारमेंट थ्रू एजुकेशन जैसे कि हम बात कर चुके हैं सबसे पहला जो पॉइंट था पिछले वाले पॉइंट में एजुकेशन या शिक्षा को लेकर ही था अब हम उसी शिक्षा को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा की हेल्प से हम कैसे एम्पार कर सकते हैं एक महिला को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है शिक्षा ही क्यों जो एक महिला को एम्पार कर सकती है और कुछ क्यों नहीं तो अब हम फोकस जो करेंगे हम इसके इससे रिलेटेड पॉइंट्स पर करेंगे कि शिक्षा कैसे ज़रूरी है महिला को सशक्त बनाने के लिए उसे समाज में खड़ा करने के लिए इसी के आगे अगर हम कुछ पॉइंट्स ऐड करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम एजुकेशन देते हैं वुमेन को एक नारी को अगर हम एजुकेशन देते हैं तो वो कितने रूप से उसके लिए फ़ायदेमंद है कैसे कैसे उसके लिए वो हेल्पफुल है जैसे मैं पहली बात करूं तो इसमें हम बात कर सकते हैं इट एनेबल्स टू फेस द चैलेंजेस और चैलेंजेस का मतलब है कि एक महिला अगर एजुकेटेड है शिक्षित है तो वो काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर सकती है आसानी से क्योंकि उसे समझ आ जाती है इन चैलेंजेस की यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे निधि मैम इसके बाद इसी पॉइंट को हम आगे जारी रखेंगे दर्शकों स्वयं एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस ध में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस पर।, पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत है हम चर्चा कर रहे थे वुमेन एम्पामेंट के ऊपर या हम ऐसे हिंदी में कहें तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर अब हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है एजुकेशन टू वुमेन या एजुकेशन के थ्रू हम एम्पारमेंट कैसे कर सकते हैं एजुकेशन जब हम वुमेन को देते हैं किसी नारी को एजुकेशन देते हैं तो उसका क्या क्या फ़ायदा होता है एजुकेशन देने से तो हम इसमें ये कह सकते हैं जैसे हम पहला पॉइंट कहते हैं इट इनेबल्स टू फेस चैलेंजेस अगर वुमेन एजुकेटेड है तो वो चैलेंजेस को फ़ेस करने में सक्षम है चैलेंजेस वो फ़ेस कर लेगी उसे अगर वो शिक्षित है शिक्षित होने की वजह से उसे ये पता है कि कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है दूसरा पॉइंट अगर इसके अंदर हम देखें तो एजुकेशन इज़ ए टूल टू रिड्यूस इनक्वालिटी इनक्वालिटी की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इक्वल राइट्स होने चाहिए दोनों को पुरुष को भी और महिला को भी तो अगर इनक्वालिटी को दूर करना है तो वुमेन को एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है आगे हम अगर बात करें तो एजुकेशन एज़ ए फंडामेंटल राइट ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट right है एक अधिकार है नारी के पास और उसके बाद अगर हम बात करें अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेटस जो एजुकेशन है शिक्षा जो है वो वुमेन को अपलिफ्ट करने में बहुत सहायक है और उसे अपलिफ्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको सोशल अपलिफ्टमेंट मिलती है उसको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिलती है या उसे पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट मिलती है इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं अपलिफ्टमेंट को लेकर जो हमने बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ की पहले बात की उन्होंने सोसाइटी को अपलिफ्ट किया है अपने कार्यों के साथ तो हम ये कह सकते हैं कि वो महिला सशक्त हैं सोसाइटी के अंदर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जब हम अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो आ, मतलब अचानक से कोई एक जागृति आती है और वो मतलब हम देख रहे हैं कि हाँ वो कोई भी स्त्री या पुरुष है वो एकदम से ऊपर पहुँच गए लेकिन जब समाज में फैली हुई कुरूतियों को वो रोकना चाहती है और वो आगे बढ़ती है तो उसका पूरा मतलब महिलाएँ ही उस चीज़ में आगे बढ़ती हैं इसका एक हमने अभी जिक्र किया था जिसमें चिपको आंदोलन की बात की थी लेकिन चिपको आंदोलन से भी पहले आपके साथ मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी कि 1904 में मणिपुर में एक अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब औरतों का युद्ध था हम जब हम मानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं और पुरुष दोनों का बराबर हिस्सेदारी रही है लेकिन मणिपुर में उन्होंने वुमेंस वॉर के नाम से वो पूरा किया था और जो उनकी अग्रणी नेता थी वो थी न्यूपील और इसी तरह उन्होंने शराब मतलब मणिपुर में ही 1970 के दशक में शराब एल्कोहल ड्रग्स के खिलाफ मीरा पाबी ने एक आंदोलन चलाया था तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं वो अपने हम यहाँ पे उसको सामाजिक और राजनीतिक चेतना के साथ भी जोड़ रहे हैं कि कैसे उन कुरुतियों के खिलाफ जो गलत उनके समाज में हो रहा है उनके खिलाफ वो आगे बढ़ रही हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते जिसमें ने, मेधा पाटिकर जी ने इतना अपना मतलब आप देखिए उस आदिवासी समाज में जिनके उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ एक धोखा हो रहा है या उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो सरकार प्रॉमिस कर रही हैं तो मेधा पाटिकर ने तो अपना पूरा एक जीवन लगा दिया उन आदिवासी समाज की आ, बचाने में तो ये जो हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं तो हम खाली आ, एक उच्च क्षेत्र में बैठी हुई औरतों को या उच्च क्षेत्र में बैठे हुए लोगों को देख के नहीं बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उस सामाजिक चेतना की भी बात कर रहे हैं जो औरतों के द्वारा समाज में लाई गई है मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमने एसिड अटैक्स को एसिड अटैक्स में रोकने के लिए लक्ष्मी अग्रवाल का नाम अग्रणी है वो खुद एक मतलब उनके साथ ऐसा हुआ और लेकिन वो ऐसा होने के बाद बैठ नहीं गई कि अब मैं क्या करूं मेरा चेहरा खराब हो चुका है मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है वो उस समस्या से उभरी और उसके लिए उन्होंने पूरा एक मूवमेंट चलाया आज उस मूवमेंट का ही नतीजा है कि इसके लिए सरकार को भी एक प्रावधान लाना पड़ा और कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं, राजनीतिक सामाजिक और न्यायिक चेतना आती है तो इसका फायदा जो है समाज में बैठे समाज में जो और औरतें हैं या समाज में और जो भी कोई कमजोर वर्ग है, उन सब को फ़ायदा मिलता है तो ये जो एजुकेशन है ये जो एजुकेटेड वूमेन है या जो एक जन जागृति का ये जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं ये उदाहरण जो हमारे सामने ये सब के सब कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट यानी कि ऊंचा बढ़ने ऊंचा से मतलब है आगे बढ़ने के एग्ज़ाम्पल्स हैं और जब हमारा जब तक ये हमारा फंडामेंटल राइट right नहीं बना था एजुकेशन तब तक लड़कियों को ठीक है पास के स्कूल में भेज देते हैं पाँचवीं तक पढ़ लेंगी लिखना पढ़ना ही तो आना चाहिए थोड़ा बहुत हिसाब आना चाहिए तो इस तरह की जो सोच थी वो मतलब कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रही थी आ, समाज को आगे बढ़ने से लेकिन जब से ये मौलिक अधिकार बना और आ, हमने ये भी कहा था कि यू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कि जब हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया एट तक के लिए सभी के लिए वो एजुकेशन कंपलसरी है वो उसको लेगा और एट के बाद हम ये नहीं कह रहे कि एजुकेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन उसके बाद अगर वो किसी अपने प्रोफेशन में जाना चाहता है स्किल बेस्ड काम करना चाहता है जिसमें स्वावलंबन भी बन सके तो उसका भी एक प्रोविज़न उपलब्ध है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमने जो है वो इस तरह के प्रावधान बनाए और उनको आगे बढ़ाया इसमें हम आगे जो कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे एजुकेशन टू वुमेन में कि अगर हम नारी को शिक्षित करते हैं तो उसकी क्या क्या चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं तो उसमें अगला पॉइंट जो मैं ऐड करूँगी वो है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड सोसाइटी अगर नारी शिक्षित है तो इससे कंट्री और सोसाइटी दोनों की डेवलपमेंट बिल्कुल जायज़ है मतलब अगर वुमेन को आप एजुकेट करते हैं जैसे कि पहले एग्जाम्पल भी दे चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसा कहा था कि अगर आप महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी फैमिली को शिक्षित करते हैं और पूरी फैमिली को भी ना कहकर मैं कहूँगी पूरी कंट्री को आप शिक्षित करते हैं और अगर आप एक मैन को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ आप एक इंडिविजुअल को शिक्षित करते हैं तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि अगर आप नारी को शिक्षा देंगे अच्छे से शिक्षा देंगे तो डेफ़िनेटली आपकी कंट्री और आपकी सोसाइटी दोनों ही डेवलप करेंगी उसमें नए नए चेंजेस आएंगे कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपके सोसाइटी या कंट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी प्रोग्रेस होगी कंट्री की सोसाइटी की अगला पॉइंट इसी के अंदर मैं ऐड करूँगी चेंज पोजिशन इन सोसाइटी अगर आप वुमेन को शिक्षित करते हैं नारी को शिक्षित करते हैं तो उसकी पोजिशन सोसाइटी में चेंज होगी अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो एक इिटरेट वुमेन और एक लिटरेट वुमेन उन दोनों में फ़र्क बिल्कुल सामने दिखाई दे साफ साफ दिखाई देता है वो अलग बात है कि दोनों ही डोमेस्टिक वायलेंस या और चीज़ों से प्रभावित रहती हैं लेकिन अगर हम बात करें शिक्षित नारी की कि नारी को अगर हमने शिक्षा दी है तो उसकी जो पोजीशन जो उसके सोसाइटी में जो उसका स्थान है डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ ऊपर रहेगा अशिक्षित नारी से अशिक्षित नारी जो होती है वो अपनी पुरानी सोच पुराने ढंग से जीने वाली नारी कहलाई जाती है लेकिन जो शिक्षित है वो थोड़ी सी ओपन माइंडेड और थोड़ी सी अलग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी आगे हम इसी में लास्ट पॉइंट अगर बात करें कि एजुकेशन टू वुमेन में तो अगर वुमेन को आप एजुकेशन देते हैं शिक्षित करते हैं नारी को तो वो साइंटिफिक लॉजिकल एंड ओपन माइंडेड हो जाती है कहने का मतलब है उसकी जो सोच है वो साइंटिफिक हो जाती है वो लॉजिकल तर्क देने वाली चीज़ों की बात करती है अशिक्षित नारी और शिक्षित नारी में यही फ़र्क है और जो अशिक्षित नारी है वो अपनी रूढ़ीवादी चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ती रहती है लेकिन जो शिक्षित होगी नारी वो डेफ़िनेटली किसी चीज हर चीज़ का लॉजिक ही मांगेगी इवन आप बात करें हमसे अगर छोटे बच्चों की बात करें आजकल कर तो छोटे बच्चे भी हमसे हर चीज़ का लॉजिक मांगते हैं कि ऐसा क्यों पहले वो क्यों का जवाब नहीं होता ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और इसमें ओपन माइंडेड भी एक पॉइंट ऐड करेंगे ओपन माइंडेड नारी हो जाती है खुले दिमाग वाली जिसे हम कहें कि उसका दिमाग अगर आप उसे शिक्षित करते हैं तो वो चीज़ों की सोच रखती है अच्छी सोच रखती है या अपने विचारों को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत कर सकती है बिल्कुल सही कहा विनीता जी आपने कि जब हम देखते हैं कि एजुकेशन टू वुमेन में कहीं ना कहीं जो एक जागृति उत्पन्न होती है एक क्रिएटिव थिंकिंग उत्पन्न होती है लॉजिक देने के साथ अपनी बात रखने की क्षमता का विकास होता है केवल ये नहीं कि उसने अपनी बात रखी है वो बात क्यों सही है क्यों गलत है उसके पीछे पूरा तर्क वितर्क वो कर सकती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से उसकी सोच डेवलप हो रही है एक उसकी मानसिकता जो है वो मतलब अंधकार से निकल के रोशनी की तरफ जा रही है तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो मतलब शिक्षा अगर हम कहेंगे कि एक मात्र ऐसा साधन है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो स्त्रियों की दशा है उसको उबारने में मदद करती है और शिक्षा के साथ साथ मुझे लगता है कि इसमें हमें ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे परिवार है जो समाज में मतलब कहते हैं ना फैमिली इन द कम्युनिटी यानी कि जो परिवार की स्थिति उस समाज में है वो भी आगे की तरफ बढ़ती है परिवार में अगर कोई भी एक शिक्षित नारी है तो कहीं ना कहीं आप समाज में उसका एक सम्मान होता है कि देखो वहाँ पे तो लड़कियों ने भी ये काम कर दिखाया वहाँ पे की तो लड़कियाँ भी इतना आगे बढ़ गई हैं वहाँ पर तो लड़कियाँ भी डॉक्टर बन गई हैं कहीं ना कहीं जब एक जो हम कहते हैं ना आ, स्टेटस ही। स्टेटस सिंबल भी बन जाता है कि हाँ ये लड़की ने ये काम कर दिखाया तो जब इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत आ, हम कह सकते हैं कि प्रशंसनीय कदम है लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करें जब हम एजुकेशन की बात करें जब हम एक आ, स्टेटस सिंबल की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं अपने समाज को अपने परिवार को वायलेंस फ्री बनाना है अगर हमारा समाज वायलेंस फ्री नहीं है हरेसमेंट फ्री नहीं है तो इन सब बातों का करना आ, बहुत नगड़ने सा रह जाता है गौन रह जाता है हमारे हम अपने समाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन अगर हम स्त्रियों को वो सुरक्षा ना दे पाए स्वावलम्बन की तो बात कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा जो उनके लिए ज़रूरी है वो ना कर पाए तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि उनके साथ पूरा जस्टिस हो उनको न्याय मिले अपने परेशानी के आधार पर अपने समस्याओं के आधार पर आज भी हम देखते हैं कि डॉरी के कितने केसेस जो हैं वो कोर्ट के पास हैं लड़कियों को आज भी दहेज के नाम पर जलाया और मारा जाता है जबकि अगर देखा जाए तो 1961 में ही इसके अगेंस्ट एक्ट आ चुका था उसके बावजूद भी आज इतने सालों के बाद क्यों दहेज प्रथा हमारे समाज में विद्यमान है इसीलिए क्योंकि सोच कहीं ना कहीं संकुचित है कि भैया जो लड़की लाएगी उसी से घर चलेगा या उसी से हमको ये चीज़ें मिलेगी लड़की क्यों लेकर आए कमाने के लिए अगर हम अगर अपनी लड़की को अशिक्षित करते हैं और वो इतनी शिक्षित हो जाती कि वो अपने लिए कमा सके तो उसको क्यों ज़रूरत है कि वो डॉरी के साथ उसकी शादी होगी या दहेज के बिना उसकी शादी हो नहीं सकती तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे समाज को और हम सबको देखने की भी ज़रूरत है साथ ही साथ जैसे पहले भी बात हुई और आज अभी मैं इस पे दोबारा से भी एम्फेसिस डालना चाहूँगी कि हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए सुरक्षा स्वावलंबन ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो सुरक्षा से संबंधित भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए और स्वावलंबन से संबंधित भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ पर स्त्री को फीमेल्स को लड़कियों को ये समझाया बताया जाए कि क्या उनके अधिकार है क्या उनके कर्तव्य हैं और वो कैसे किन परिस्थितियों में अपना बचाव कर सकती है और किस तरह से वो कोई एक हुनर सीखे या जो हुनर उसमें है उसमें अपनी कुशलता का विकास करके वो आगे बढ़ सकती है साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब इन सब चीजों का समाज में आगमन हो जाता है तो वो समाज कहीं ना कहीं शांति की ओर भी बढ़ता है हम देख सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो शांति लाने में भी एक बहुत अग्रणी भूमिका निभाती हैं मदर टेरेसा का नाम इसमें बहुत अग्रणीय है कि मदर टेरेसा जिन्होंने समाज में गरीब दुखी फटेहाल बच्चों के साथ पूरा एक मिशन चलाया जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ तो ये शायद उस शिक्षा का उस जागृति का ही एक आ, कह सकते हैं मेन वो था कि वो वो चलाने में सफल रही और कितने गरीब अनाथ बच्चों को एक घर मिला एक संस्था मिली कि उनका हम जीवन बचा पाए जिसमें हम कहते हैं कि सेंसिटिविटी हम उत्पन्न कर पाए तो इस पॉइंट को मैडम ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया कि अगर नारी शिक्षित है तो वो क्या नहीं कर सकती वो बहुत कुछ कर सकती है इसी में हम थोड़ा सा आगे डाटा की तरफ अगर देखें हम डाटा के ऊपर अगर बात करें तो शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षा एक पावरफुल टूल है एक ऐसा यंत्र है, है हमारे हाथ में जिससे हम महिला को सशक्त बना सकते हैं तो पहले के टाइम को देखें अगर हम सेंसेिस को देखें तो ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 हम देखें तो लिटरेसी रेट क्या रहा इंडिया में नाइन uh, में आप देखेंगे तो टोटल पर्सनस मेल और फीमेल ये इसमें टेबल डिवाइड की हुई है तो इसमें जो फीमेल का जो रेशियो है वो पॉइंट सेवन है 1901 में ईयर 1901 में और अगर हम बात करें सन 2011 की तो यह जो ये जो डाटा है वह बढ़कर पैंसठ पॉइंट हो गया है तो कहने का ये मतलब है कहने का ये अभिप्राय है कि ईयर टू ईयर फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया में बढ़ रहा है हम ये नहीं कहेंगे कम हो रहा है हम ये कहेंगे बढ़ रहा है चाहे वो धीमी गति से बढ़ रहा है लेकिन ये चीज़ बढ़ रही है और जो कि बहुत ज़रूरी है हम जब बात महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जहाँ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि वही एक इम्पॉर्टेंट टूल है तो उसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है हमारे सामने और इसी डाटा में अगर हम इंक्लूड करें तो स्टेट वाइज़ डाटा जो सेंसस 2011 आ, शो कर रहा है स्टेट वाइज डाटा में अगर हम देखें तो फीमेल का जो रेशो है लिटरेसी रेट का वो केरला में सबसे ज़्यादा मतलब केरला की जो वुमेन है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट है केरला ऐसा स्टेट है जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा शिक्षित के तौर पर माना जाता है इसमें एक और डाटा मैं इंक्लूड करूँगी उसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात की गई है जो सेवन यूनियन टेरिटरीज़ हैं सिक्स यूनियन टेरिटरीज़ उसके अंदर अब लक्षद्वीप जो है उसमें एट्टी एट पॉइंट टू सिक्स अट्ठासी पॉइंट दो छ जो है वो लिटरेसी रेट शो कर रहा है तो आप ये देखिए मतलब इस डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और जो कि सिर्फ एजुकेशन की हेल्प से ही आगे चीज़ें चल रही हैं अब अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन को हम आगे बढ़ाएं इसी को डाटा से हटकर तो एजुकेशन का जो रोल है वो मतलब एजुकेशन हम दे कैसे सकते हैं हमने बात तो कर ली कि एजुकेशन या शिक्षित करें नारी को तो समाज में बहुत चेंज आ जा जाएगा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा या वो चैलेंजेस को फेस कर पाएगी या उसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी लेकिन जब हम उसको एजुकेशन देने पर आते हैं तो वो एजुकेशन किस किस तरीके से उसको दी जा सकती है अगर हम एजुकेशन दें उसको तो हम दो तरीके से उसको एजुकेशन दे सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन जहाँ हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की तो फॉर्मल एजुकेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं ऐसी शिक्षा जो फॉर्मल प्लेसेस जैसे आप कॉलेज कॉलेज स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हम बात करें वहाँ पर जब एजुकेशन दी जाती है तो वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है अब थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में जो आपका करिकुलम है वो भी एक स्टैंडाइज हो जाता है आपके टाइमिंग्स फिक्स हो जाते हैं और रूल्स रेगुलेशंस कुछ होते हैं फॉर्मल एजुकेशन के अंदर अब जब बात नारी की कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं या जो आ, बालिकाएं हैं वो अपने हिसाब से अब जैसे हम पूरे फैमिलीज़ की बात करें रूरल एरिया की बात करें तो लड़कियों को अपने हिसाब से शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है कहने का मतलब है उनके जो माँ बाप हैं वो उनको अर्निंग में कहीं लगा देते हैं तो स्कूल का समय सुबह से लेकर दोपहर तक होता है तो वो वहाँ नहीं जा पाती मतलब उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हम उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं दे पाते तो हम कुछ और तरीक़ों से भी उनको एजुकेशन दे सकते हैं जैसे इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन का तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें महिलाएं या बालिकाएं अपने हिसाब से शिक्षा ले सकती हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने टाइमिंग्स के हिसाब से उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती एंट्री एज पर जैसे आप अगर हम फॉर्मल की बात करें तो आजकल तो स्कूलों में एज एंट्री एज पर बिल्कुल ठप्पा लगा दिया गया कि अगर आपका बच्चा साढ़े साल से कम है तो हम स्कूल में नहीं एंट्री लेंगे चाहे वो एक महीना ही कम क्यों ना हो ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है और अगर हम नॉन फॉर्मल की बात करें तो वहाँ एज पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती महिलाएं या बालिकाएं कभी भी जाकर मतलब किसी भी उम्र में जाकर एजुकेशन ले सकती हैं नो फिक्स टाइमिंग्स कोई टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती उनकी क्लासेस जो होती हैं वो सुबह भी हो सकती हैं कुछ क्लासेस शाम को भी दी जा सकती हैं जिसमें वो शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं और करिकुलम इज़ नीड बेस्ड इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो करिकुलम होता है वो उनकी नीड बेस्ड भी हो सकता है अगर हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उनकी जो ज़रूरतों से संबंधित है हम करिकुलम वैसा भी बना सकते हैं और इसमें कुछ एन का भी रोल हो सकता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो इसमें अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं जिससे कि हम महिलाओं को सशक्त बना सकते आ, ये बात बहुत आ, यहाँ पे विचार करने योग्य है कि हम जब एजुकेशन की बात करें तो हम केवल उनको एक ट्रेडिशनल एजुकेशन दायरे में नहीं ला रहे सॉरी नहीं ला रहे हैं यहाँ पे सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि अगर वो फॉर्मल एजुकेशन में किसी वजह से नहीं आ पाती है तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भी रास्ते खुले हैं और उसमें जब हमने इतने सारे वो प्रावधान देखे हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने एज को हटाया है क्योंकि हो सकता है कि अगर वो साढ़े तीन या चार साल की आयु में किसी वजह से स्कूल में नहीं दाखिला ले पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षा के लिए आगे नहीं अवसर उसको मिलेंगे इसी तरह हमने देखा है जो ओपन स्कूल्स का प्र, प्रोग्राम है जो सरकार द्वारा ये ओपन स्कूल्स का प्रोग्राम इसीलिए चलाया जाता है जिसमें अगर एक साथ हम पाँच विषयों का एग्ज़ाम ना दे पाए जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं टेंथ और ट्वेल्थ में उनका अपना एक रिस्ट्रिक्टेड करिकुलम होता है वो टाइम भी डिमांड करता है वो डिसिप्लिन भी डिमांड करते हैं लेकिन ओपन स्कूलिंग के साथ सरकार ने थोड़ी सी लिबर्टी दे दी है ताकि बॉयज़ या गर्ल्स दोनों के लिए ही ये फ़ायदा है ऐसा नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लड़कियां ज़्यादा उठा रही हैं और एन जब हम एन की बात करते हैं तो एन का पर्पज़ खाली उन्हें शिक्षित करना नहीं है एनजी का पर्पज उन्हें हुनर देना है किसी एक स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ में लाना है और आजकल सरकार ने के भी जो प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना है उसमें उन्होंने यही एम्फेसिस किया है कि किस तरह से आप उनको आ, अलग अलग हुनर सिखाएंगे जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था अहमदाबाद में जो सेवा नाम का एन था उन्होंने उसी एरिया की लेडीज़ को वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने सिखाई अब आपके लिए उसमें उनको टेक्निकल नॉलेज कितनी हो पाती है या उनकी साइंस कितनी स्ट्रोंग है ये नहीं है लेकिन उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर उन्होंने एम्फोसिस किया उसके ऊपर उन्होंने उनको प्रशिक्षित किया और उसके ऊपर प्रैक्टिस दे उनको कार्य क्षेत्र में ले किया इसी तरह हम आंगनबाड़ी में देखते हैं आंगनवाड़ी में जो लेडीज़ होती हैं या सरकार द्वारा बहुत सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहाँ पे जो स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम होते हैं उनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए लेडीज़ को मौका दिया जा रहा है और उन लेडीज़ के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जो वहाँ की लोकल लेडीज़ ही उसको सीखती हैं और फिर वो घर घर जाके उनका प्रचार प्रसार करती हैं उन लेडीज़ के पास जो किसी वजह से उस प्रोग्राम की कंपेनिंग के दौरान घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं तो जो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का क्राइटीरिया है इन सारे क्राइटीरिया ने स्त्री को केवल शिक्षित ही नहीं किया उसको कैसे स्वास्थ्य लेना है उसके क्या अधिकार हैं वो कैसे आगे बढ़ सकती है कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं उन सब का भी वहाँ पर बराबर का उसमें उनका योगदान है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अब Uh, जैसे हमने बात की फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन की ये एजुकेशन या शिक्षा देने के दो तरीके हैं नारियों को या महिलाओं को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आगे अगर हम बात करें तो थोड़े से uh, सिर्फ एक पॉइंट्स के रूप में बात करेंगे कि इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जो वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए लिए गए uh, इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे एन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन या महिला समाख्या प्रोग्राम नाइनटीन ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लिए कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके जैसे हम पहले सेंसिस में भी देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट बड़ा ही है महिलाओं का और इसमें हम आगे बात करें नेशनल कमीशन की 1990 नाइन्टी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 नाइनटी 1994 ये सारे ऐसे हैं जिन्होंने इनिशेटिव लिए महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें हमने बात की आ, एजुकेशन की कि छः से चौदह साल के बच्चों को आ, एजुकेशन फ्री दी जाएगी और कंपल्सरी दी जाएगी और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी जहाँ हम वुमेन एम्पामेंट की बार बार बात कर रही हैं तो वुमेन आपको ये पता चले कि 2001 सन जो 2001 था ईयर 2001 था जो वुमेन एम्पामेंट ईयर के नाम से जाना जाता है और इसमें अगर हम आगे बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान इसके अंतर्गत भी काफ़ी कुछ महिलाओं की शिक्षा के लिए किया गया और जो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान है उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करने का डेवलप करने का क्राइटेरिया लिया गया है तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वोमेन की शिक्षा को नारियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कदम है हम ये कह सकेंगे इसमें इतने सारे प्रावधान सरकार ने किए उसको कार्यान्वित करने में मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा प्रयास होने चाहिए जी क्योंकि नियमों की व्यवस्था की कोई कमी, कमी नहीं है।, है अगर अनुपालन उसका ठीक से हुआ तो उसमें समाज की भूमिका आ, मुझे लगता है ज्यादा है ज़्यादा है बिल्कुल ज्यादा है समाज एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मैं ये कहूँगी महिलाओं को शिक्षित करने में और ये बात बिल्कुल ठीक है कि खाली रूल्स बनाने से कुछ भी नहीं होता नहीं। जबकि चीज़ों को आप प्रैक्टिकली उसमें ना लेकर आए जी जी रूल में और दूसरा ये है कि शिक्षक की जहाँ तक भूमिका की बात है शिक्षक तो हमेशा एक स्तंभ की तरह काम करते हैं वो अगर जागरूक हो जाए तो बालिकाओं की शिक्षा को कौन रोक सकता है जब हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं एजुकेशन की ही बात कर रही है यहाँ पर कि एजुकेशन का क्या रोल है वुमेन एम्पामेंट में तो हम शिक्षक को तो एक अहम भूमिका के रूप में मतलब उसको ले सकते हैं जी जी तो मैडम अंत में क्या कहना चाहेंगी शिक्षकों के लिए अगर संदेश के रूप में आ, सबसे जरूरी तो ये है कि एक शिक्षक अपने आप में ये मान के चले कि जब वो शिक्षा दे रहा है तो उसको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है अपने छात्रों के बीच में hmm. ना किसी मतलब जेंडर बेस्ड भी ना हो वो मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो ना धर्म के साथ ना जाति के साथ ना लिंग के साथ और शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो आके केवल अपना एक मतलब चैप्टर पढ़ा जाना ही एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तो शिक्षक को सब और सबसे बड़ी बात है शिक्षक को एक जागरूक व्यक्ति होना चाहिए जी अगर जी शिक्षक ही अंधविश्वासों के साथ जुड़ा है और समाज में फैली हुई को सपोर्ट कर रहा है तो वो शायद अपने छात्रों में किसी तरह की एक नहीं पैदा कर पाएगा जी तो, तो हमारे समाज को एक जागरूक शिक्षक की जरूरत है ताकि वो स्त्रियों के साथ जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं उसके साथ वो पूरा जस्टिस कर पाए जी तो इसी नोट के साथ हम समाप्त करते हैं कि एक जागरूक शिक्षक आप बने और महिला सशक्तिकरण बालिका सशक्तिकरण का जो एक मिशन है उसका उसको पूरा करने में सहयोगी बने शिक्षार्थियों आज की चर्चा में इतना ही मैं दोनों विशेषज्ञों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने विस्तार से इस विषय को हमारे सामने रखा कल किसी अन्य विषय पर आपसे बातचीत होगी बहुत बहुत धन्यवाद